Hello students, hello everybody. We are doing this lecture number 3 for alternating current, and this is the lecture number 18 of this playlist. This is one step ahead of lecture 2, and we are going to talk about how alternating current, like if attached with series combination of inductor and resistance, or series combination of capacitor and resistance, or we can take inductor, capacitor or resistance ka series combination. So we are going to do these kind of things. So the detail list you will see on the first page. So let me take you inside and let's just grab many more new things today. And I hope you all are doing well and you are studying well. Saath saath questions karte chale jao. Concept clear hone ke baad questions mein kuch khas dam rehta nahi hai. Numerical calculations karni hoti hai. जो लेक्चर मैं ले रहा हूँ दैट इज क्वाइट डीप एंड इट टेल्स एवरीथिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट व्हाट यू आर स्टडिंग. तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फोकस रहिए. दैट्स ऑल आई नीड टू से. सो लेट मी टेक यू इनसाइड द लेक्चर. यस बच्चों, सो वी आर हियर ऑन द फर्स्ट पेज. लाइक इट डिटेल्स लाइक वी आर व्हाट वी नीड टू स्टडी. एसी सोर्स अक्रॉस सीरीज ऑफ एलआर. अब हमने पिछले लेक्चर में आर के अक्रॉस, एल के अक्रॉस और कैपेसिटर के क्रॉस उसको लगा के देख रखा है. तो वी आर एक्सटेंडिंग आवर नॉलेज कि भाई एलआर सीरीज सर्किट में क्या होगा, सीआर सीरीज सर्किट में क्या होगा एंड एलसीआर सीरीज सर्किट होगा तो क्या होगा. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू स्टडी. हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो हमें एसी चैप्टर में ऑल्टरनेटिंग करंट में पूछे जाते हैं, दिस इज ऑल एसोसिएटेड विद लेक्चर 1 2 एंड 3. लेक्चर 1 लेक्चर 2 आपने ठीक से देखा है एंड समझ लिया है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सारे रिजल्ट्स को याद रखे होंगे. ओनली देन इफ यू लिसन एंड सी द वीडियो वेरी वेल देन ओनली थिंग्स आर गोइंग टू कम टू योर माइंड. सो लेट मी टेक यू टू द लाइक एसी सोर्स सीरीज, एसी सोर्स अक्रॉस सीरीज ऑफ एलआर. तो हम जरा इसको लेके चलते हैं. लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट पेज एंड सी हियर. दिस इज आवर एलआर सीरीज सर्किट. ये मैंने बोला आपके लिए एलआर सीरीज सर्किट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है. एलआर सीरीज सर्किट, व्हाट यू सी, देयर इज अ इंडक्टर एंड देयर इज अ रेजिस्टेंस एंड दिस इज एन एसी सोर्स अटैच्ड विद दिस. दिस इज अ स्विच व्हिच इज नॉट ऑन राइट नाउ. तो हमें पता है कि पहले बेसिक बात समझ ले कि ये इंडक्टर है और ये रेजिस्टेंस है, दोनों सीरीज में है. सीरीज में है इसका मतलब इन दोनों में क्या सेम होगा, भाई करंट सेम होगा. जो करंट इसमें पास होगा वही करंट इसमें पास होगा. जितनी वैल्यू करंट की यहाँ पे होगी उतनी वैल्यू करंट की यहाँ होगी. इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. इट्स सो सिंपल दैट यू ऑलरेडी नो. सो इसका मतलब कि करंट अगर इसमें जीरो है तो इसमें भी जीरो है, इसमें मैक्सिमम है तो इसमें भी मैक्सिमम है. इसमें करंट का डायरेक्शन बदल करके माइनस आई नॉट हुआ तो यहाँ भी वैसा ही हो जाएगा. मतलब करंट सीरीज में है तो सेम रहेगा. सो What actually we need to study LR series circuit में हम क्या पढ़ना चाहते हैं? हम तो यही पढ़ना चाह रहे हैं कि भाई हमने जैसे L के अंदर देखा voltage lead करता है inductor में जो current pass होता है. Voltage across inductor leads by phase angle of 90 degree to the current which passes through inductor. Resistance के केस में current and voltage, resistance का resistance में pass होने वाला current और resistance का voltage same phase में होता है. कैपेसिटर के केस में भी 90 डिग्री का होता है, उसमें करंट लीड करता है. सो वी वांट टू स्टडी हियर कि इंडक्टर और रेजिस्टेंस का अगर कॉम्बिनेशन कर देंगे तो इनमें पास होने वाला जो करंट है, इनमें पास होने वाला जो करंट है वो करंट और इनके वोल्टेजेस, लाइक जो इसमें पास होने वाला करंट और इसका वोल्टेज के बीच में क्या फेज एंगल बनेगा, इसके करंट और इसके फेज वोल्टेज के बीच में क्या फेज एंगल बनेगा, जब वो हम स्टडी कर लेंगे तब देखेंगे कि दिस कॉम्बिनेशन एज अ होल, दिस कॉम्बिनेशन एज अ होल और इस कॉम्बिनेशन में जो करंट पास हो रहा है और इस कॉम्बिनेशन का जो वोल्टेज है उनके करंट और वोल्टेज के बीच में क्या फेज एंगल है. दिस स्टडी विल मेक अस वेरी स्ट्रॉन्ग टू अंडरस्टैंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स. बहुत सारे इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री में यूज करने वाले, टेक्नोलॉजिकली यूज के यूज करने वाले बड़े सारे इक्विपमेंट्स हैं जिसमें इन कॉम्बिनेशंस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे. सो यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड टू अंडरस्टैंड द एडवांस एप्लीकेशन ऑफ दिस.
बट ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। तो हमसे इसमें पूछा किया जाता है कि कैसे डिराइव होता है, करंट एंड वोल्टेज के रिलेशनशिप कैसे दिखाया जाता है, और इसमें आपको एप्लीकेट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो ये सारी बातें मैंने बता दी आपको। नाउ लुक एट दिस हियर, जैसे ही इसमें मैं करंट ऑन करूंगा, स्विच ऑन करूंगा, इसमें करंट पास होएगा। यस, सो लेट सी, लाइक वी कंसिडर LR सीरीज सर्किट, LR सीरीज सर्किट which is attached with AC source, और ये जो AC source है, so we consider LR series circuit which is attached with AC source. Let current in circuit at any instant is given by I is equal to I naught sine of omega t. Let circuit में जो current pass हो रहा है, I is equal to I naught sine omega t. So इसका मतलब यही current इस inductor में जा रहा होगा, वही current इस resistance में जा रहा होगा. Then we know that, right? Since we know that, voltage across resistance क्या होगा जी? So that will be I naught sine omega t across, into R. और अगर आप voltage across inductor पूछेंगे तो क्या होगा? So that it will be saying, okay, mod of L di upon dt. क्योंकि आपको तो न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए इसमें, और हमें पता है कि ये वोल्टेज इसको अपोज करेगा. सो इफ दिस इज आई नॉट, तो आपको पता है कि दिस विल कम आउट एल, एंड डी बाई डी टी ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आई नॉट आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी आ जाएगा. तो दिस वी एल इज इक्वल टू वॉट? आई नॉट इन टू ओमेगा एल, एंड दैट इज कॉस ओमेगा टी. सो दिस ओमेगा एल, यू नो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा, लास्ट लेक्चर में आई नॉट एक्सएल कहेंगे इसको, एक्सएल, एंड दिस इज कॉस ओमेगा टी, एंड यू कैन कॉल इट दिस इज वी नॉट कॉस ओमेगा टी, दैट्स व्हाट यू कैन से दैट. इसका मतलब कि जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है वो आई नॉट इन टू आर है. अब देखो इसको वी नॉट हमने कह दिया आई नॉट इन टू एक्सएल, सो नाउ हियर इज किसको वी नॉट कहेंगे, तो आई नॉट आर को क्या कहेंगे. तो इस बेहतर है कि आप इसको इसी फॉर्म में छोड़ दो, डोंट टेक इट लाइक फर्दर, इसको फर्दर अभी, या हम इसको वी एल कह सकते हैं, वी एल नॉट कह सकते हैं, और उसको वी आर नॉट कह सकते हैं, वी कैन यूज लाइक दिस दैट वे. तो मैं फिलहाल आपको ये बताना चाहूंगा कि दिस वी आर इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आर, एंड वी एल आपने निकाल दिया आई नॉट ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, दैट इज आई नॉट एक्स एल कॉस ओमेगा टी. तो ठीक है, करेंट भी आपको मालूम है, और कि भाई उसमें किसी भी टाइम पे अगर करंट पास हो रहा है तो करंट इतना पास हो रहा है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये वोल्टेज होगा और इंडक्टर के अक्रॉस ये वोल्टेज होगा. बट यू नो दैट इंडक्टर का वोल्टेज इंडक्टर में पास होने वाले करंट से 90 डिग्री अहेड होता है, और रेजिस्टेंस में पास होने वाला करंट और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, सेम फेज में होता है. तो हम इसको फेजर डायग्राम से अगर करें तो फेजर डायग्राम सजेस्ट करें तो देखो भाई कैसे फेजर डायग्राम से इसको सॉल्व करेंगे, फेजर डायग्राम यूज करते हैं. सो this we have done, कि I is equal to this, तो ये इतना result होगा. हमारा purpose क्या है यहाँ पे? बताया मैंने कि current and voltage के बीच के phase angle को judge करना, मतलब as a whole this, इसमें जो pass होने वाला current है और इसके cross का जो voltage है, उसके voltage और current में क्या phase angle होगा? इन सबका voltage इसके बराबर है, यानी कि इसके voltage और circuit में pass होने वाले current के बीच का phase angle क्या होगा? ऐसे समझ लो, या इनके combination के cross का जो voltage होगा और इस combination में pass होने वाला current के बीच का phase angle कितना होगा, that you want to know. So let me see, मैं ये जो दो तीन circle लिया है इसमें, ये वाला circle जो white वाला है, मैं इसको current phasor के लिए लेता हूँ, ये green वाला voltage across resistance लेता हूँ, और ये जो सबसे बड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है, इसको मैं inductor के voltage को ले रहा हूँ. अब कोई जरूरी नहीं है कि छोटा वाला current हो और something like that, you can take anywhere, because you don't know the value, कि भाई VL की value जो मतलब
इंडक्टर के क्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो रेजिस्टेंस से बड़ा होगा छोटा होगा, दैट यू डोंट नो नो. तो एक एजम्पशंस लेके चल रहे हैं. तो मैं यहाँ पे आपको फेजर डायग्राम यूज कर रहा हूँ. एंड सी आई एम यूजिंग सबसे पहले कि हम रेजिस्टेंस का के क्रॉस जो वोल्टेज है उसको दिखा रहे हैं, रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है उसको दिखा रहे हैं. सो आई एम यूजिंग दिस मोटा सा, आई मीन दिस आई एम यूजिंग रेजिस्टेंस के वोल्टेज फिगर को दिखाने के लिए. ये मैंने यूज कर लिया समथिंग लाइक दिस. ठीक है जी, ये कुछ ज्यादा मोटा हो गया. सो लेट्स से यूज दिस वन एंड से दैट कि ये मैंने यूज किया. सो ये यूज करने का मतलब ये हुआ भाई, ये रेजिस्टेंस का वोल्टेज फिगर है, यानी कि रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो ये है. अब अगर रेजिस्टेंस का वोल्टेज ये है तो ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि इसमें जो पास होने वाला करंट है, इसमें जो पास होने वाला करंट है, किसमें? रेजिस्टेंस में जो पास होने वाला करंट है, रेजिस्टेंस में जो पास होने वाला करंट है, वो करंट फेजर मैं इससे दिखाऊंगा. आई विल शो इट लाइक दिस. आई होप यू गॉट माय पॉइंट. सो हियर व्हाट आई एम डूइंग इज, ये मैंने करंट फेजर माना. दिस आई हैव टेकन अ करंट फेजर. किसमें? रेजिस्टेंस में. और ये क्या माना? वोल्टेज फेजर माना. किसका? रेजिस्टेंस का. तो जो करंट फेजर, जो करंट रेजिस्टेंस में पास हो रहा है वही करंट इसमें जा रहा है, तो इसका करंट फेजर भी क्या होगा? सेम. लेकिन जो इंडक्टर के क्रॉस का वोल्टेज होगा वो इससे रिप्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि उसका वोल्टेज तो करंट के फेजर से 90 डिग्री अहेड होता है. सो लेट मी टेक द अनदर वन एंड आई विल शो यू लाइक दिस कि ये हमने यूज कर लिया किसके लिए. दिस वी आर यूजिंग फॉर वोल्टेज फेजर ऑफ इंडक्टर. और यहाँ पे आप देखो कि इस फिगर में मैंने कोशिश किया कि 90 डिग्री का ये एंगल बना हुआ दिखाई दे. सो फेजर डायग्राम से सी, अगर I is equal to I not sin omega t है, तो मैंने ये यहाँ पे जो यूज किया है I is equal to I not sin omega t, I mean this I am using, ये करंट फेजर है. ये क्या है? करंट फेजर. ये है करंट फेजर. ओके, एंड ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? इसके इससे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो I not sin omega t आ जाएगा, ये आ जाएगा. तो ये इसमें और इनमें पास होने वाला करंट है. तो अगर ये करंट है तो रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी आर. और हमें मालूम है कि करंट और रेजिस्टेंस का वोल्टेज सेम फेज में होता है. तो ये मैंने दिखा दिया यहाँ पे वोल्टेज फेजर. ये हमारा वोल्टेज फेजर है. वोल्टेज फेजर फेजर एक वोल्टेज फेजर एक क्रॉस आर, यानी कि आर के एक क्रॉस आर. और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग वोल्टेज फेजर. वोल्टेज फेजर एक्रॉस एल को के एक्रॉस के वोल्टेज है. तो इनके लिए हम कोई साइन यूज कर सकते हैं. लेट सपोज हम वी आर फेजर यूज कर लेते हैं और वी आर फेजर एक एरो डाल दिया और इसको हमने कह दिया वी एल फेजर. हम वेक्टर वी आर और वेक्टर वी एल नहीं कह के वी आर फेजर एंड वी एल फेजर कह रहे हैं. तो मतलब रेजिस्टेंस के एक्रॉस का जो वोल्टेज फेजर है और ये इंडक्टर के क्रॉस का वोल्टेज फेजर है और ये करंट फेजर है सर्किट में. इज दैट ओके ना? अब हमारा पर्पस क्या था यहाँ पे? ये पढ़ना कि इनके क्रॉस, इनके कॉम्बिनेशन के क्रॉस जो वोल्टेज है और इसमें पास होने वाला जो करंट है उनके बीच के बीच में क्या फेज एंगल है. ओके, तो यहाँ पे इसका वोल्टेज फेजर मालूम है और इसका भी वोल्टेज फेजर मालूम है. तो और ये दोनों के बीच में 90 डिग्री है और इन दोनों के लिए करंट फेजर सेम है. तो क्यों ना हम एक काम करें कि इसके वोल्टेज फेजर और जो वी आर फेजर है इसका एक रिजल्टेंट निकाल लेते हैं. और जो रिजल्टेंट निकल के आएगा किसका? इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वोल्टेज और वी एल और वेक्टर और वी आर वेक्टर का, वो हमारा इनका वोल्टेज फेजर होगा पूरे सर्किट का. तो उस वोल्टेज फेजर का करंट फेजर के साथ कितना एंगल है, दैट आई कैन टेल यू. तो मैं अगले पेज पे चलता हूँ मैं. और अब हम पहले इनका एक रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं. तो ये आपको दिख रहा है, चलो हम इसी जगह पे इनके रिजल्टेंट पे काम करते हैं. तो इनके रिजल्टेंट पे अगर यही काम करते हैं इनके रिजल्टेंट पे, लेकिन मैं अगले पेज पे पहले ले जाकर दिखाऊंगा आपको. सो बाय फेजर डायग्राम ठीक है जी. बाय फेजर डायग्राम आप वोल्टेज फेजर किसका जानना चाहते हैं? सर्किट का. सो वोल्टेज फेजर ऑफ सर्किट जानना चाहते हैं. वोल्टेज फेजर ऑफ सर्किट जानना चाहते हैं वो क्या होना चाहिए? That is VL phasor plus VR phasor का sum होना चाहिए by phasor diagram. भाई इस circuit का जो voltage phasor होना चाहिए
वो इंडक्टर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है उनका वेक्टर सम होना चाहिए, दोनों वेक्टर का वीएल वेक्टर प्लस वीआर सम होना चाहिए। और हमें पता है कि इसका जो मॉड होगा वो क्या होगा, चूंकि दोनों 90 डिग्री पे हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी एल का स्क्वायर और वी आर का स्क्वायर, मतलब उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज का स्क्वायर कर सकते हैं। ओके फाइन। और अगर फर्दर हम आगे लेके चलें इस वी एल और वी आर को, तो ये दोनों में तो करंट सेम जा रहा है, कौन सा करंट जा रहा है, आई। सो दिस इज आई इंटू एक्स एल, आई इंटू एक्स एल। और यहाँ पे क्या है भाई, आई मतलब आई नॉट साइन ओमेगा टी है यहाँ पे, और ये क्या है आई इंटू आर, इसका स्क्वायर कर सकते हैं ऐसे। और अब यहाँ से आई स्क्वायर यानी कि और अंदर हम लें तो ये क्या बनेगा आई, और ये क्या होगा एक्स एल का स्क्वायर और ये आर का स्क्वायर। अब एक्स एल तो आपको पता है ओमेगा एल होता है, ये आर भी आपको पता है, एक्स एल को हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। अब यहाँ से आप क्या बाहर बाहर निकाल सकते हैं, ये आई स्क्वायर है तो ये आई बाहर आ गया, और अंदर क्या हो गया आपके पास एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आप ऐसे लिख दो। और दिस इज आई, और इस एक्स एल को अगले स्टेप में आप मतलब यहाँ भी यानी कि ये वोल्टेज फेजर का मॉड हो गया, ये वोल्टेज फेजर का मॉड हो गया, दिस इज वॉट इट इज। एंड अगर इस को दूसरे फॉर्मेट में लिखे तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, और बेटा जी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई इंटू वॉट, ओमेगा को 2πf लिखेंगे यानी कि 4π स्क्वायर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो सर्किट का जो वोल्टेज फेजर है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, दैट यू हैव डन इट ओवर हियर। ओके। अब ये जो एक्सएल स्क्वायर और आर स्क्वायर है जो यहाँ पे जो बात हो रही है, ये क्या, चूंकि अगर ये वोल्टेज है ये करंट है तो ये पूरा क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस जैसा कुछ होना चाहिए। आई सेड भाई रे अगर ये वोल्टेज है, इफ दिस इज वोल्टेज और ये करंट है तो इस पूरे को क्या होना चाहिए, दिस होल शुड बी व्हाट, इस पूरे को किस क्या ये क्या किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, इट शुड बी रिप्रेजेंटिंग, और अगर ये वोल्टेज है ये करंट है तो ये भी क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस जैसा कुछ होना चाहिए, बट वी विल नॉट कॉल इट रेजिस्टेंस। तो जब जब रिएक्टेंस यानी कि ओमेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस, जब ये दो लोग मिल करके इस तरीके से अपोज करते हैं तो इनके लिए एक जनरल टर्म बनाया गया, दैट इज कॉल्ड इम्पीडेंस, व्हाट वी कॉल इट इम्पीडेंस। देखो जब आप कोई काम करने जाओ तो एक आदमी आपको अपोज कर रहा है बट वो आपकी एनर्जी को डिसिपेट नहीं कर रहा, मतलब आप सपोज यू वॉन्ट टू go for a walk, you want to go for a walk, so if you want to go for a walk to somebody is saying don't go for a walk and something like that, to aapko baju pakad ke nahi rok raha hai, wo opposition paida kar raha hai aapke andar, but usne baju pakad ke nahi roka hai, but somebody is coming directly and colliding you and saying you can't go like that, aap uske against ja rahe to heat paida ho raha hai, aur dusra jo hai aapke back aapke andar ek motivation kam kar raha hai, he is just decreasing the motivation, तो वो भी एक ऑपोजिशन है। तो एक तरीके से रिएक्टेंस है और एक तरीके से रेजिस्टेंस है, तो जब रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दोनों होता है, दोनों हिंड्रेंस ऑफर करते हैं, तो उसको हम लोग इम्पीडेंस कहते हैं। तो इसको क्या कह सकते हैं कॉमनली, तो दिस रिजल्ट कैन बी यानी कि इस दिस स्टेप यानी कि ये जो वी इज इक्वल टू यहाँ पे स्टेप लिखा है तो उसको हम आई, और ये पूरा जो अंडर रूट आप देख रहे हैं इसके लिए एक टर्म यहाँ जेड यूज किया ये, और इसको लिखा जेड एल आर, एल पढ़ लेंगे आप, जेड एल को अगर मैं थोड़ा छोटा लिखता हूं तो वो सी जैसा दिखने लगता है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं, सो दिस इज जेड एल आर समथिंग लाइक दिस, ठीक है जी। तो ये जेड सो विल से दैट वंस अगेन, एक मिनट, ठीक है, दिस इज एल और आई वॉन्ट टू से दैट इसको मैं ब्रैकेट में दिखाना चाहता हूँ, सो लेट मी यूज दिस, सो आई से जेड एल आर, तो ये आई जेड एल आर, तो जेड एल आर क्या है, दिस जेड एल आर लाइक दिस, इसको हम लोग इम्पीडेंस, व्हाट वी कॉल इट इम्पीडेंस ऑफ एल आर सीरीज सर्किट। जब हर तरीके की बाधाएं मिलने लगती हैं आपके रास्ते में, हर तरीके की मतलब आपको कोई मानसिक रूप से भी कोई रोक रहा है, मोटिवेशन डिक्रीज कर रहा है, आपको फिजिकली रोक रहा है,
तो वो जो बाधाएं हैं उनको लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं इम्पीडेंस। तो यहाँ पे एसी के साथ दोनों हो रहा है, उसकी एनर्जी को कोई डिसिपेट भी कर रहा है और कोई अपोज भी कर रहा है। तो इस तरीके से हम इसको, इसमें जो पास होने वाला करंट है, रेजिस्टेंस उस जो इलेक्ट्रॉन कोलिजन करके उस करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है, और इंडक्टर उसको अपोज करने बैक ईएमएफ पैदा करके कर रहा है, तो इसको हम लोग इम्पीडेंस कहते हैं। मैंने समझा दिया इम्पीडेंस क्या होता है, इसको इम्पीडेंस ऑफ इलास्टिसिटी सर्किट कहेंगे। और बच्चा मैंने आपको यहाँ पे और ये बात बतानी है कि जो ये इम्पीडेंस है, जो ये इम्पीडेंस है इलास्टिसिटी सर्किट का, इम्पीडेंस ऑफ इलास्टिसिटी सर्किट जिसको हमने कहा है, सो इस इम्पीडेंस का यूनिट क्या होगा? तो यूनिट ऑफ इम्पीडेंस यूनिट यानी यहाँ पे स्लैश ये डायमेंशन 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 पब्लिक यूनिट ऑफ इम्पीडेंस जेड, राइट, एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है दैट इज ओम, और ठीक है जी, उसका डायमेंशन आप लिख सकते हैं। तो ये इसका रिजल्ट आ गया। बट जेड एल एल आर की कोई वैल्यू पूछे, व्हाट इज जेड एल आर? सो भाई जेड एल आर इज इक्वल टू, ये आपको याद रखना पड़ेगा, सो जेड एल आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। थोड़ा दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एंड यू कैन ऑल्सो राइट सर 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये जेड एल आर की वैल्यू होगी। यस, आपको यहाँ से ये बात भी समझने की जरूरत है कि जितना ज्यादा एल होगा जेड बड़ा हो जाएगा, जितना ज्यादा आर बड़ा होगा जेड बड़ा हो जाएगा, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी बड़ा हो जाएगा। यानी कि एक सर्किट में एसी सोर्स जो आपने लगा रखा है, अगर इसका ओमेगा बड़ा है तो इसका ओमेगा एल बड़ा है। सो ओमेगा बड़ा है, एल बड़ा है, आर बड़ा है, तो भैया जेड बड़ा है। सो जेड किस पे डिपेंड किया, जेड किस पे डिपेंड किया, जेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, रूट आई मीन आर पे भी डिपेंडेंट है और एल पे भी डिपेंडेंट है और ओमेगा पे भी डिपेंडेंट है, और ये कॉम्बिनेशन ऐसे यूज करोगे। अब यहाँ पे एक बात और समझना की जरूरत है। इफ दिस इम्प्लाइज अगर ओमेगा इंक्रीजेस, ओमेगा या सपोज कर ओमेगा टेंडिंग टू जीरो, अगर मैं जो एसी सोर्स लगा है उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा टेंडिंग टू जीरो इम्प्लाइज फ्रीक्वेंसी टेंडिंग टू जीरो, अगर ओमेगा जीरो हो फ्रीक्वेंसी जीरो है बेटा, तो इस केस में जेड एल आर इज टेंडिंग टू व्हाट? जेड एल आर इज टेंडिंग टू आर, मतलब फिर उस केस में अगर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो ये इसके अक्रॉस कोई बैक ईएमएफ, जो कोई ओमेगा एल जो इसका रिएक्टेंस है वो बहुत कम हो जाएगा, तो ये किसी काम का नहीं रहेगा, एज इफ ये पूरा सर्किट एज इफ एक सिर्फ प्योर रेजिस्टिव लगा हुआ है। समझ गए मेरी बात, ये क्लियर हो गया पॉइंट वन। दूसरी बात, दूसरे तरीके से दिस इज वन केस, ही ऐसे वाला एक केस वन की बात कर रहा हूँ मैं, केस वन की बात कर रहा था। अब अगर केस टू की बात करें हम, यहाँ पे केस टू की बात कर लें कि अगर ओमेगा टेंडिंग टू जीरो ना होगा, ओमेगा टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी भाई साहब, तो इस केस में ये बहुत बड़ा हो जाएगा, और फिर जेड एल आर की वैल्यू जो होगी, जेड एल आर की वैल्यू जो होगी दैट विल बी टेंडिंग टू ओमेगा एल के बराबर, क्योंकि आपका रूट ऐसे बाहर आ जाएगा। यानी कि दिस विल बी जेड एल आर टेंडिंग टू दिस, यानी कि सर्किट विल बी प्योर रेजिस्टिव, सर्किट विल बी प्योर प्योर रेजिस्टिव बनने की कोशिश होने लगेगा यहाँ पे। समझ गए यहाँ पे, और इस केस में सर्किट विल बी प्योर इंडक्टिव, सर्किट विल बी प्योर प्योर इंडक्टिव। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हेलो, यहाँ पे कि एक सोर्स है, एक अकेला सर्किट है, ये 5 हेनरी का है, ये 2 ओम का है, 5 हेनरी का है, ये 2 ओम का है, और इसका ओमेगा इतना है या फ्रीक्वेंसी इतनी दे रखी है, तो 2 पाई f निकाल लिया, बताओ इसका इम्पीडेंस क्या होगा? अच्छा, तो अब इम्पीडेंस तो आपको सिर्फ ये कैलकुलेशन ही कर रहा है ना भाई, और इसका यूनिट आपको पता है। अब अगर इस कैलकुलेशन में आप फंस जाए, बोले कि हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो बड़ी शर्म की बात है कि 12th क्लास में आकर वैल्यू रख करके कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, दैट इज रॉन्ग। सो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज, कि ये इस तरीके का निकल के आया। अब अगर कोई पूछे कि आप बताओ कि सर्किट में जो पास होने वाला करंट है, अब यहाँ देखो वोल्टेज इज इक्वल टू आई जेड एल आर का फॉर्मूला बना ना, सो नाउ हियर वी इज इक्वल टू आई इंटू जेड, जेड लिख दिया, आई इंटू जेड लिख दिया, दिस जेड इज फॉर जेड एल आर। अब
अगर यहां से कोई करंट निकालने की कोशिश करे तो करंट क्या होगा, वी अपॉन जेड होगा। तो अगर किसी सर्किट का जेड बड़ा है तो वी क्या होगा, कम होगा। इफ जेड इज बिगर देन वोल्टेज इज लेस, आई मीन सॉरी, इफ जेड इज बिगर एंड वोल्टेज दे गिवन है, तो भाई ये करंट क्या होगा, लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ बात आपको समझाना चाहूंगा। तो जेड तो फिक्स हो गया उस सर्किट के लिए, जेड क्या हो गया, फिक्स हो गया। आप जरा गौर से देखना, आप एक एसी सोर्स लेके आए, उसका वी फिक्स, वी नॉट फिक्स है, उसका क्या फिक्स है, वी नॉट फिक्स है, मतलब पीक वोल्टेज फिक्स है, ओके। और एल और आर अपने फिक्स वैल्यूज के लिए लिए ले लिया, और इसका ओमेगा भी फिक्स है, तो ओमेगा फिक्स है, एल फिक्स है, आर है, तो आपके पास जेड भी फिक्स हो गया। तो सर्किट में पास होने वाला जो करंट है उसका पीक करंट की वैल्यू भी क्या हो गई, फिक्स हो जाएगी। यस, सो पीक करंट इन द सर्किट विल बी डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, सर्किट का पीक वोल्टेज किस पे डिपेंड करा है, एसी सोर्स के बी ए एन ओमेगा पे डिपेंड करा है। यस, सर्किट का पीक वोल्टेज, आई मीन कॉम्बिनेशन का पीक वोल्टेज। सर्किट का पीक करंट किस पे डिपेंड कर रहा है भैया, इसके ओमेगा पे भी डिपेंड कर रहा है, इसके एल पे भी डिपेंड कर रहा है, इसके आर पे भी डिपेंड कर रहा है, इस तरीके से। आई होप दिस यू हैव अंडरस्टूड, नो? सो आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड, जेड वी अपॉन जेड। अब सोचो कि अगर ये तो वोल्टेज फेजर है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज फेजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट फेजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वोल्टेज फेजर, ये करंट फेजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ पे वी वर्चुअल होगा, दिस आई होप यू हैव अंडरस्टूड, नो? सो नाउ आई एम सेइंग दैट अगर यहाँ V वर्चुअल RMS है, तो यहाँ पे I RMS मान लो और into Z मान लो, और अगर यहाँ V not है तो यहाँ पे I not है और into Z मान लो। समझ में आ गई बात? तो ये जो मैंने V लिख रखा है, ये कौन सा V है भाई, what is this? ये वोल्टेज फेजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वोल्टेज फेजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहाँ से वर्चुअल वोल्टेज, अगर इसको वर्चुअल वोल्टेज मानते हो तो यहाँ वर्चुअल करंट होगा, अगर आप इसको V नॉट मानते हो तो इसको I नॉट मानो, अगर आप इसको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मानते हो तो ये इंस्टेंटेनियस करंट मानो। आई होप गॉट इट नाउ, यस। हाँ, तो ये तो फेजर के फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, यानी कि ये वोल्टेज फेजर की न्यूमेरिकल, वोल्टेज फेजर का को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये करंट फेजर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस मच यू हैव गॉट इट, यानी कि यहाँ पे मैंने इस टॉपिक की बखिया उधेड़ ली, और आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस मिलेंगे, दैट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इट। अब यहाँ पे आपने नोटिस किया कि मैं यहाँ पे कुछ अलग बात कर रहा था, एंड सडनली आई टुक द अनदर ट्रैक ओवर हियर। एनीवे, हमने ये समझ लिया कि बाई फेजर डायग्राम वोल्टेज फेजर जो निकलेगा क्या होगा। अब इस वोल्टेज फेजर को, ये जो वी वी सर्किट वोल्टेज फेजर आया जो सर्किट का, उसको अगर फेजर, चूंकि हमें तो फेज एंगल पढ़ना है, वो अलग बात है, क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे तो दैट वी नो दैट। कि अब अगर हमें इसके, इसको फेजर डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है, किसको, VL प्लस VR को, तो VL प्लस VR को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे जो ये VR फेजर है, समथिंग लाइक दिस वी हैव टू टेक इट। और फिर हमें यहाँ से एक, तो चलो जी जितना बड़ा वहां पे हमारे पास ब्लू वाला है, इसको हम यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं। लुक एट दिस हियर, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझेंगे मेरी बात को ध्यान से। सो फ्रॉम हियर, इसके टिप से मैंने ये लिया, दिस इज योर, आई बिलीव, या इट इज ऑफ द सेम लेंथ, ओके। और अब मैं यहां से जो ये पिंक वाला है, इसको ऐसे दिखा दिया भाई, आप ऐसे समझ लें, समथिंग लाइक दिस, ओके। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं यहां से एक ये जो यूज करने जा रहा हूं, इसको देखिए आप, एंड आई से दैट कि ये जो होगा, अब ये कौन है भाई, हु इज दिस फेलो, तो ये तो भाई VL है, यानी कि ये VL है, ये VR है, ये VR है, ये कौन है, ये जो हमारे पास आया यहाँ पे, ये आपका इस सर्किट का वोल्टेज फेजर है, और इस सर्किट में जो करंट फेजर है, दैट यू हैव ऑलरेडी शोन, दिस इज करंट फेजर, ये वाला। तो जो ये करंट फेजर है और ये जो वोल्टेज फेजर है, उसके बीच में ये एंगल जो होगा, इस एंगल को आप क्या कहेंगे, इस एंगल को आप क्या कहेंगे, ये जो बीच का एंगल है, इस एंगल को आप क्या कहेंगे। सो दिस एंगल इज, ये जो एंगल है हमारा, इसको अगर मैंने यहाँ पे यूज किया टर्म फाई, व्हाट आई हैव यूज फाई, तो ये फाई क्या हुआ, मैंने कहा कि जो वोल्टेज फेजर रेजिस्टेंस के था, जो वोल्टेज फेजर इंडक्टर का था, उनका रिजल्टेंट फेजर ये है, और ये इस सर्किट का वोल्टेज फेजर कहलाएगा, कॉम्बिनेशन का। इस वोल्टेज फेजर का और इस सर्किट में पास होने वाला करंट के बीच में जो एंगल है वो फाई है, दिस फाई इज कॉल्ड फेज एंगल। सो व्हाट वी नो दैट,
अगर हम ये इस सर्किट का वोल्टेज फेजर है और ये सर्किट के करंट का फेजर है तो इनके बीच में फेज एंगल है फाई है, तो ये बड़ा ऑब्वियस है कि जो इस सर्किट में जो वोल्टेज है वो इसके करंट से, करंट फेजर से लीड कर रहा है. कितने एंगल से? फाई एंगल से. हाउ मच एंगल से? फाई एंगल से. सो आई वुड से दैट अगले पेज पे by phasor diagram, it is obvious that voltage leads current, or we can say current lags behind voltage by a phase angle of phi. Okay. अब अगर ये phi से इनके बीच का phase angle है, तो ये phi की value कितनी होगी? So how much this phi is? ये phi कितने के बराबर है? तो we will say that 10 phi. क्या? 10 phi. अब ये 10 phi कैसे निकाला जाएगा भाई? So this 10 phi is equal to, you can come to the phasor diagram. So from the phasor diagram, it is obvious कि this 10 phi, अगर ये phi निकालना चाहते हो, इसका 10 phi निकालना चाहते हो, तो ये क्या होना चाहिए? Perpendicular upon base. तो इसका perpendicular कौन बनेगा? VL. और base कौन बनेगा? VR. So see, मतलब इसको vector तरीके से use करना कितना आसान हो गया. तो you are saying, okay, this 10 phi is equal to VL is a perpendicular, or VR is what? Base. That's what the point is. So, using phasor diagram, यहाँ पे इसको निकालने के लिए. तो अगर आपने ये काम कर दिया यहाँ पे, तो VL की वैल्यू क्या जी? तो करंट फेजर इनटू दिस से XL सर. और ये क्या जी? I इनटू R. तो ये सॉल्व होकर के क्या है? XL अपॉन R. ये थोड़ा सावधानी बरतना होगा कि ये XL लिखा हुआ है, आप इसको I इनटू L मत लिख लेना, और फिर इसको L अपॉन R मत लिख देना, बोलना कि अच्छा ये तो सर से गलती होगी. डोंट थिंक लाइक दैट. X यहाँ पे यूज किया जा रहा है प्रॉपर तरीके से. सो दिस इज XL बाय R, यानी कि अगले स्टेप में ये क्या बन गया? ओमेगा L बाय R. सो phi इज इक्वल टू, वी कैन राइट दिस इज tan इनवर्स ऑफ ओमेगा L बाय R. सो यू नो दैट कि जो ये फेज एंगल है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है भाई? ओमेगा पे, एल पे और आर पे, और फिर उसके tan इनवर्स पे. सो यू नो दैट कि करंट लीड्स voltage leads current by a phase angle of phi, or current lags behind voltage by a phase angle of phi, and that phi is equal to this. So ye result bhi aapko yaad rakhna padega ki phi is equal to 10 inverse, or 10 phi is equal to omega L by R. Kiske case mein? This is in case of LR series circuit. To aapko ye result yaad rakhne padenge question solve karne ke liye. Theek hai ji? Ab dekhiye. तो हमने फेजर डायग्राम, आपको यहाँ पे कहीं पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कहीं पे यूज हुआ? नहीं यूज हुआ. जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ा था और फेजर डायग्राम को यूज किया, तो देखो अगर फेजर पढ़ा है हमने तो कितना आसानी से सॉल्व हो गया. इज दैट ओके और नॉट? क्लियर है पॉइंट? यस. अब दिस वी हैव डन इट, और हमने समझ लिया कि एल आर सीरीज सर्किट का जो नेट वोल्टेज है, जो वोल्टेज है, वोल्टेज फेजर है, और करंट फेजर के बीच में फेज एंगल होता है. अब अगर हम इसी चीज को जो यहाँ पे हमने सॉल्व किया है, व्हाट वी हैव डन हियर, क्या हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं? तो मैं आपको जरा कोशिश कर रहा हूँ. द नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और चलो यहीं से स्टार्ट, नहीं चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और जरा इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखते हैं. क्या देखते हैं? मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखते हैं. नेक्स्ट पेज पे चल के मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखते हैं, मतलब मैथमेटिक्स को यूज करके करते हैं. So we are doing that mathematical treatment of LR series circuit. Mathematical treatment कहने का मतलब कि हम इसको mathematics को use करते हुए कर रहे हैं. देखिए जी क्या होता है. So आपको पता है, you can make the ये एक inductor लिया आपने, और इस inductor को आपने किसी resistance से connect किया, और बोला कि ये पूरा का पूरा आपने एक एसी सोर्स से कनेक्ट किया जी, और यहाँ पे की लगा रखा है, और इस की को जब आप ऑन करेंगे तो उसमें करंट पास होगा. ऑन कर दिया. सो एट एनी इंस्टेंट लेट
लेट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इज द करंट इन दिस, ये करंट है. ओके सो जो ये वोल्टेज है, ये वाला जो वोल्टेज है दिस, इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है, इसका वोल्टेज यहां और यहां खर्च हुआ है, यहां और यहां खर्च हुआ है, हम इसमें पास होने वाला करंट ये है, तो हम इसका अक्रॉस का वोल्टेज और इसके अक्रॉस का वोल्टेज को सम करके देखते हैं कि क्या मिलता है हमें. मतलब कि इसका वोल्टेज और इसके वोल्टेज का सम इसके वोल्टेज के बराबर होना चाहिए. बट हाउ मच दिस वोल्टेज इज, हम अगर इसको वी नॉट, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लिख दें, तो हमारे लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी. क्या दिक्कत हो जाएगी? हम ये करंट मान लिया, ये वोल्टेज मान लिया, तो हम इनके बीच का फेज एंगल निकाल नहीं पाएंगे. तो अगर हमने करंट ये मान लिया, तो हम इसके अक्रॉस का वोल्टेज और इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकाल करके हम दोनों का सम करेंगे, और वो सम करने से जो वोल्टेज आएगा वो इसके बराबर होगा. फिर उस वोल्टेज को रख करके और फिर करंट और वोल्टेज के बीच का फेज एंगल देखने की कोशिश करेंगे. सो दैट आई हैव टोल्ड यू. तो मैं इसलिए यहाँ पे इसको नहीं लिख रहा हूँ. सो नाउ आई एम सेइंग दैट कि लेट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, दैट इज वन, आई मीन करंट इन सर्किट, करंट इन सर्किट, सर्किट में ये करंट. ओके जी, देन वी एल इज हाउ मच, मतलब वी एल की न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करेंगे, तो एल डी आई अपॉन डी टी करेंगे आप. दिस इज वॉट यू आर गोइंग टू राइट. सो एल आई नॉट और कॉस ओमेगा टी और इन टू ओमेगा, सो दिस विल बिकम आई नॉट एंड दिस इज ओमेगा एल एंड दैट इज कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी. ये आ गया जी, वी एल आ गया, न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे. माइनस साइन तो हमें पता है कि ये अपोज करता है. और वी आर की बात करें तो आप क्या लिखेंगे? That is I naught sine omega t into R. So this is I naught R sine omega t. Okay. So इसका मतलब ये दोनों वोल्टेज को सम करें, यानी कि V, VL plus VR की बात करें तो वो क्या आएगा? So you say this is I naught omega L, I naught omega L and cos omega t, or this is I naught R sine omega t. Is this what we know? अब एक काम करते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास VL प्लस VR की वैल्यू कुछ इस तरीके से आ गई. अब मैं यहाँ पे जो कुछ इस, ये जो हमारे पास रिजल्ट है, ये वाला पूरा टर्म और ये वाला जो पूरा टर्म, इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ. मुझे ये सॉल्व करना है कि ये VL प्लस VR है एंड दिस V दैट शुड बी इक्वल टू V. सो दिस V आई एम राइटिंग, ये जो इस पूरे को A मान लेता हूँ, A cos ओमेगा, ए कॉस ओमेगा, इसको मान लिया, ये जो हमारे पास है, एक मिनट बेटा, इसको ए, या जस्ट ए मिनट, आई वांट टू राइट दिस फॉर्मेट में, देखना आपको क्या सिखा रहा हूँ. सो इसको माना ए साइन साइन डेल्टा, ए साइन डेल्टा, इसको एक मिनट, ये थोड़ा सूट नहीं कर रहा मुझे कलर, सो आई एम यूजिंग दिस नाउ. So I'm saying that A sine delta, मैंने इसको माना इस पूरे को, और इसको लिखे cos omega t, और इस पूरे को मैंने मान लिया A cos delta and sine omega t. ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये तो मैंने आपको सिखाया भी है कि अब देखो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो क्या हो रहा. नाउ हियर इफ यू राइट, सो ये अगले स्टेप में क्या बन गया, A sine of, I mean sine omega t cos delta, ऐसे लिख सकते A sine of omega t plus delta, we can write like this, this is our voltage, ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है और डेल्टा की वैल्यू क्या है, that we need to understand. तो since a sine delta is equal to, हमने माना I naught omega L, yes, और a cos delta is equal to, हमने माना है I naught into R. तो इन दोनों को square करेंगे तो a square is equal to क्या होगा, I naught R का स्क्वायर और आई नॉट ओमेगा एल का, ओमेगा एल का स्क्वायर और अंडर रूट, ऐसे कर सकते हैं हम लोग. इसमें से आई नॉट स्क्वायर से बाहर आई नॉट निकाल देते हैं और अंडर क्या लिख देते हैं, आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, करेक्ट. ये कौन आ गया यहाँ से, ए आ गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए. ऑलराइट, इस पूरे ये हमने ऐसे लिख दिया आई नॉट इनटू दिस. ऑलराइट, नाउ अब डेल्टा की वैल्यू निकालनी है तो हम साइन अपॉन कॉस ऐसे करेंगे, तो टेन डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे तो टेन डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, ओमेगा एल बाई आर आ जाएगा. सो फ्रॉम हियर डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा एल बाई आर आ गया. वी कैन डू इट वेरी इजली. सो इसका मतलब दिस वोल्टेज कैन बी रिटन एज
ए एक जगह पे क्या लिखे आई नॉट एंड दिस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर ओमेगा आर स्क्वायर, देखो ये थोड़ा चिपक रहा है ना, दिस इज नॉट गुड, सो दिस इज नॉट गुड, या सो आई एम सेइंग दिस इज आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू होगी, ए की वैल्यू होगी भाई, यू हैव टेकन दिस एज ए एंड साइन एंड देन यू आर सेइंग ओके ओमेगा टी, और डेल्टा की जगह पे आप क्या लिखोगे, दिस इज यू आर गोइंग टू राइट, इसको थोड़ा बड़ा वाला ब्रैकेट मान लो, राइट आई मीन मिड ब्रैकेट ले लो, एंड दिस इज टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा एल बाय आर, ऐसे लिख लो और फिर यूज कर लो, कुछ ऐसे लिख लिया। अब ये जो ए इज इक्वल टू आई नॉट आर स्क्वायर आई मीन आपको मालूम है ना कि वोल्टेज इज इक्वल टू आपने दिस लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि साइन के साथ ओमेगा टी प्लस डेल्टा जो ये फंक्शन है दिस विल बी अ नंबर, यानी एक ए का क्या होना चाहिए यूनिट और डायमेंशन जो वोल्टेज का होना चाहिए, इसका मतलब कि ये वोल्टेज है, और अगर ये वोल्टेज है और ये करंट है, ये पीक करंट है, तो ये क्या होना चाहिए, ये इम्पीडेंस होना चाहिए, तो हमने इसको यहाँ पे हमें पता है कि ये हमारा जेड है, तो हम इसको आई नॉट इंटू जेड इसका नाम कर रहे, यानी कि मैथमेटिकल ट्रीटमेंट से भी हम कर रहे हैं, तो अब आपके पास ये क्या आ गया भाई, दिस इज वी इज इक्वल टू यू आर सेइंग आई नॉट इंटू जेड और फिर साइन ऑफ दिस यू आर यूजिंग ओमेगा टी एंड प्लस टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा एल बाय आर, ऐसे लिख रहे हैं आप, और फिर अगले स्टेप में आपने बोला यार ये आई नॉट जेड जो है इसको वी नॉट मान लेते हैं, पीक वोल्टेज हो गया ओके, और इसको साइन मान लेते हैं, और फिर ये ओमेगा टी हो गया, और ये जो डेल्टा है इसको आप डेल्टा लिख दीजिए या फाई लिख दीजिए, चलो इसको डेल्टा डेल्टा लिख दिया। अब ये इक्वेशन टू हो गया, अब इस इक्वेशन वन और इस इक्वेशन टू को कंपेयर किया जाए तो साफ साफ लग रहा है कि जब टी जीरो होगा तो करंट तो जीरो होगा, लेकिन टी जीरो होगा तो वोल्टेज कितना होगा, वी नॉट साइन डेल्टा, इसका मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में कितने का फेज एंगल है, डेल्टा का फेज एंगल है, इज दिस क्लियर और नॉट, डेल्टा का फेज एंगल है, और फिर ये जो डेल्टा का फेज एंगल है ये भी मालूम हो गया कि वोल्टेज लीड्स करंट बाय योर फेज एंगल ऑफ डेल्टा, और जो वी नॉट है वो आई नॉट इंटू जेड है, और जेड इतना इतना है, तो हम इसको मैथमेटिकल ट्रीटमेंट से भी कर सकते हैं, हमने इसमें कोई इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन इस्तेमाल नहीं किया है, बट आई शुड टेल यू यहाँ तो ये बड़ी आसानी से हो गया क्योंकि एल आर था समथिंग लाइक दैट। अब अगर ये और अगर सी आर के केस में हम चले कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के केस में करें तो वहां भी ये हो जाएगा, बट अगर जहाँ पे इंडक्टर आ जाएगा रेजिस्टेंस आ जाएगा और कैपेसिटर आ जाएगा तो वहां पे ये जा करके हमारे लिए परेशानी पैदा करेगा, मतलब परेशानी पड़ेगा मतलब उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट थोड़ा आसान नहीं होगा, डिफिकल्ट होगा, तो ये आपने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देख लिया, यहाँ से भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं, और ये जो चीज की गई अब कितने सारे स्टूडेंट्स को, मतलब जो जो जानते हैं उनके लिए तो ठीक है, जो नहीं जानते हैं उनको वो जो पीछे मैंने फेजर डायग्राम से समझाया है उनको ये बात बड़ी आसानी से समझ में आएगी। सो नाउ वी नो कि हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें, कि एलआर सीरीज सर्किट है, एलआर सीरीज सर्किट में इंडक्टर और रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन के क्रॉस जो वोल्टेज है और उसमें जो पास होने वाला करंट है, उन वो वोल्टेज और करंट दे आर नॉट इन सेम फेज, इंडिविजुअली वी नो दैट कि करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आर इन सेम फेज एंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज करंट अक्रॉस इंडक्टर दे आर एट 90 डिग्री फेज, बट एज अ कॉम्बिनेशन इफ वी सी देन वी फाइंड दैट दिस कॉम्बिनेशन हैज अ फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज फेजर एंड करंट फेजर दैट इज ऑफ फाई एंड दैट फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ ओमेगा एल बाय आर एंड वोल्टेज लीड्स करंट बाय अ फेज एंगल ऑफ फाई, सो दिस यू हैव अंडरस्टूड, और यहां पे ये इससे रिलेटेड यानी कि इन फॉर्मूले से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दैट आई हैव मेड यू अंडरस्टूड, और ये भी बताया कि ये वोल्टेज फेजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये करंट फेजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, अगर ये पीक है तो ये पीक है, ये वर्चुअल है तो ये वर्चुअल है, ये एवरेज है तो ये एवरेज है, दैट्स हाउ द पॉइंट इज, तो सर्किट का एक फॉर अ गिवन सर्किट फॉर अ गिवन एसी सोर्स एंड फॉर अ गिवन सर्किट जेड बिकम फिक्स, इज दैट ओके नाउ, जेड बिकम फिक्स फॉर अ व्हाट आई सेड हियर, मैं इसको ये यहां लिख दूं, फॉर अ गिवन सर्किट एंड गिवन सोर्स
given source, right? For a given circuit and given source, Z becomes fixed. ठीक है, जब गिवन सोर्स कह रहे हैं तो इसका मतलब उसका ओमेगा हमें पता है. अब अगर उसका ओमेगा चेंज करें, राइट, इफ ओमेगा ऑफ सोर्स चेंजेस जेड चेंजेस. सो बच्चा लोग ध्यान रखिएगा इस बात को. तो मतलब क्वेश्चन आपको बहुत सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड थोड़ा तंग हो जाए, बाकी सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया. आप अगर ढंग से सुनेंगे तो हर तरीके का न्यूमेरिकल कर सकते हैं. अब हम लोग सीआर सीरीज सर्किट की तरफ चलेंगे. विल बी डूइंग सीआर सीरीज सर्किट. सो दिस इज सीआर सीरीज सर्किट. सीआर सीरीज सर्किट, तो अगर हम सीआर सीरीज सर्किट की बात कर रहे हैं, तो नाउ सीआर सीरीज सर्किट में हमारे पास ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दे रखा है. ये नहीं कि अब इतनी बात तो समझते हो कि सर आर पहले दे दिया, सी बाद में दिया, दिस हैज नो मीनिंग. आई मीन सीरीज कॉम्बिनेशन है, यू कैन प्लेस हियर एंड देयर. सो जैसे ही आप इसमें करंट पास करेंगे, व्हेन यू विल पास करंट थ्रू दिस, अब अगर इसमें आप करंट पास करेंगे किसी भी टाइम पे, तो यू नो इसके क्रॉस भी एक वोल्टेज होएगा, इसके क्रॉस भी वोल्टेज होगा, इसके क्रॉस भी वोल्टेज होगा, और फिर उनका सम जो होगा ये इसके बराबर होना चाहिए. तो अब यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे? सो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, तो हम लोग कैसे करेंगे? लेट एन एसी सोर्स इज अटैच्ड across, let an AC source is attached across series combination of capacitor and resistance. ठीक है जी, capacitor and resistance. So now what we are going to do is कि हम लोग इसको कैसे उस जगह तक पहुंचेंगे कि भाई इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस का फेजर, इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस जो वोल्टेज है और इसमें जो करंट जा रहा है, उनके करंट और वोल्टेज के बीच में क्या फेज एंगल है, दैट इज व्हाट वी वुड लाइक टू नो. और फिर उसमें बाकी सारी चीजें देखेंगे. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज नाउ कि हमने ये सब कुछ मान लिया, लेट एट एनी सोर्स एन एसी सोर्स इज अटैच अक्रॉस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस. लेट I is the current in circuit. Then we, अगर circuit में current I है, then we know that current phasor and voltage across resistance phase, then we know that current phasor and VR are in same phase, and I phasor and voltage across capacitor are not in same phase. Phase angle between voltage phasor of capacitor, I mean, but the phase angle between, voltage phasor and current phasor, phase angle between voltage phasor and current phasor, is 90 degrees. Current leads voltage. Current leads voltage in case of capacitor. तो अब आप इस information को use कर लीजिए. That I is the current in circuit. We know that कि current phasor
और जो रेजिस्टेंस का फेजर वोल्टेज फेजर होगा आई एंड वी आर इन सेम फेज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस दे आर इन सेम फेज बट करंट और कैपेसिटर का जो वोल्टेज है दे आर नॉट इन सेम फेज फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 90 डिग्री करंट लीड्स वोल्टेज इन केस ऑफ कैपेसिटर सो विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम दिस ऑल इंफॉर्मेशन कैन बी शोन हियर सो बाय फेजर डायग्राम तो अगर फेजर डायग्राम से हम इस चीज को समझने की कोशिश करें कैसे सॉल्व करेंगे भाई हाउ विल बी डूइंग आपने नोटिस किया कि हमने एलआर सीरीज सर्किट के करंट एंड वोल्टेज का जो ग्राफ है वो क्यों बनाना छोड़ दिया जो दैट फाई है ओमेगा एल बाई आर है आप चाहें तो वो बना सकते हैं बट वो आप फाई आपको लेना पड़ेगा यानी कि किसी एक अलग जगह से वैल्यू स्टार्ट करनी पड़ेगी जैसे हम लोग वहां पे ग्राफ बनाते थे एल के अक्रॉस सी के अक्रॉस तो हम लोग कहते थे कि करंट जीरो है तो वोल्टेज मैक्सिमम है या वोल्टेज जीरो है तो करंट मैक्सिमम है तो हमें पता था कि ये यहाँ से स्टार्ट होगा इस केस में करंट भैया जीरो है तो वोल्टेज मैक्सिमम नहीं होगा वोल्टेज कुछ और होगा फाई के हिसाब से डिपेंड करता है ओमेगा एल बाई आर या जो उस पर डिपेंड करता है तो इसलिए हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं करें बट ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता किया जा सकता है फेजर डायग्राम से चीजें बड़ी आसानी से हो रही हैं बट एनालिटिकल फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो अब अगर फेजर डायग्राम लेके चले और हम यहाँ दिखाएं कि भाई जैसे हमने पीछे माना था कि लेट्स सी दिस इज अवर करंट दिस इज फर्स्टली लेट्स टेक द वोल्टेज फेजर किसका लेट्स टेक द वोल्टेज फेजर फॉर रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस का अगर हम वोल्टेज फेजर लेंगे तो कुछ इस तरीके से हमने ले लिया ये रेजिस्टेंस का दिस इज लेट मी रिमूव दिस लेट मी टेक दिस या ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस हमने ले लिया तो ये रेजिस्टेंस फेजर हो गया किसका भाई ये वोल्टेज फेजर हो गया किसका रेजिस्टेंस का वोल्टेज फेजर हो गया रेजिस्टेंस का ओके हमें मालूम है कि जो करंट फेजर होगा किसका जो करंट फेजर होगा किसका भाई रेजिस्टेंस का या कैपेसिटर का वो तो दोनों एक ही होंगे बोथ विल बी रिप्रेजेंटेड बाय वन फेजर क्योंकि भाई इसमें और इसमें सेम करंट जा रहा है तो दोनों को तो एक ही करंट फेजर से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा लेट्स सी ये करंट फेजर हो गया सो दिस इज करंट फेजर एंड ये वी आर हो गया और आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि जो कैपेसिटर का वोल्टेज है कैपेसिटर का जो वोल्टेज फेजर होता है वो करंट फेजर से 90 डिग्री पीछे होता है तो अगर आपने इसको यहाँ दिखा दिया तो अब वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर इधर तो नहीं दिखा सकते क्योंकि 90 डिग्री पीछे दिखाना है तो वी आर शोइंग लाइक दिस ये 90 डिग्री का फेज एंगल दिखा रहे हैं ऐसे That is what we have done it. Now here in this case, bachcha, ये angle 90 degree है. This angle is 90 degree. ये pi by 2 है. So what do you see here? कि अगर मैं ये कहूँ आपसे कि ये current phasor है, this is ये current phasor है, ये current phasor है, दोनों के लिए, okay? ये VR phasor है जी, और ये VC phasor है. तो ठीक बात है ना कि करंट फेजर अगर करंट फेजर कैपेसिटर के वोल्टेज फेजर से 90 डिग्री लीड करता है ये दिख रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ही दिखाएंगे ना एंगल के फॉर्म में दिखाएंगे तो दिस इज हाउ डू वी शो इट तो चलो भाई ये तो हमने दिखा दिया अब हमारा पर्पस तो ये जानना है कि इसके क्रॉस का जो वोल्टेज होगा वोल्टेज फेजर होगा और इसमें जो पास होने वाला जो करंट फेजर है उनके बीच में फेज एंगल क्या है तो हमें तो इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा वी नीड टू फाइंड देयर रिजल्टेंट तो भाई अगर इसका रिजल्टेंट निकालना है तो अब फिर कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा कि वी हैव टू टेक इट लाइक दिस तो चलो इसके रिजल्टेंट की बात करते हैं ठीक है और तो जो इसका रिजल्टेंट होगा हम कैसे दिखाएंगे सो वी नो दैट कि जो सर्किट का वोल्टेज फेजर होगा वी नो दैट सर्किट का जो वोल्टेज फेजर होगा वी ऑफ सर्किट इज वॉट वी सी प्लस वी आर भाई आप इन दोनों का VC और VR दोनों का सम ले लेंगे वेक्टर सम ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा तो ये V का मॉड कितना आएगा जी दिस विल बी VC स्क्वायर एंड VR स्क्वायर दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू नाउ नेक्स्ट स्टेप सिमिलरली यू कैन राइट I इनटू XC या अब ये तो पढ़ा हुआ है तो इसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं तो अब यहां से क्या बाहर आ गया I और अंडर रूट क्या हो गया ये XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर ये हमारे पास V का मॉड आ गया अब हम ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I और
इस पे अब ज्यादा बात तो कहनी नहीं है, ये भी क्या हुआ, इम्पीडेंस हुआ किसका, सीआर सीरीज सर्किट का, सो ये जेड सीआर हो गया। ओके, तो ये जेड सीआर हो गया, राइट। तो दिस इज जेड, ओ गॉड, राइट। सो दिस इज जेड सी आर, वी रीड रूट लाइक दिस। सो दिस वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू जेड सी आर। ये क्या है जी, ये वोल्टेज को, ये करंट को, ये इंपीडेंस को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज इंपीडेंस, इंपीडेंस ऑफ सी आर सीरीज सर्किट, ये इंपीडेंस ऑफ सी आर सीरीज सर्किट है। ये क्या है, करंट है, ये करंट है, ये क्या है जी, वोल्टेज है। अब ठीक है, इंपीडेंस के बारे में हमने पीछे बात कर ही ली है, तो आपको कोई तकलीफ होना नहीं चाहिए। अब तो अगर ये V नॉट है तो ये क्या है, I नॉट इनटू Z। अगर ये V इंस्टेंटेनियस है तो ये I इंस्टेंटेनियस इनटू Z है। अगर ये V RMS है तो ये क्या है जी, I RMS इनटू Z है। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब जेड के बारे में आपने यहाँ समझ लिया कि दिस जेड इज इक्वल टू जेड सी आर, जिसको हम कह रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि सी और बी के बीच में एक गैप डाला जाए, जेड सी आर, सो दैट यू नो दिस इज एक सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज वन बाय ओमेगा सी, एक सी की वैल्यूज हमने पढ़ी है, यही होता है, और आर स्क्वायर, करेक्ट। सो दिस जेड सी आर कैन बी फर्दर रिटन एज वॉट, वन बाय omega square c square plus r square, we can also write it, and this can further written as 1 by 4 pi square f square c square plus r square। beta isme jo calculation karna hota hai wahi thoda difficult ho jata hai bachcho ke liye, but jo data diya jata hai bada soft hota hai taki aap usko lagaye aur badi aasani se solve kar sake। so ye impedance ka result aa gaya। ab yahan pe agar aap ye dekhna chahe ki bhai अगर ओमेगा बढ़ाएंगे, इफ ओमेगा, पहले ओमेगा टेंडिंग टू जीरो, हमने ओमेगा को टेंडिंग टू जीरो कहा, तो अगर ओमेगा टेंडिंग टू जीरो होगा, आप समझ पा रहे मेरी बात, इस सर्किट में जैसे हमने यहाँ पे देखा ओमेगा टेंडिंग टू जीरो, तो भाई ये तो जीरो हो गया, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में इस आर का कोई मीनिंग रह नहीं जाएगा। तो क्या मतलब है यहाँ पे इंडक्टर, और उसमें तो हमने समझ लिया था, जरा यहाँ की बात कर रहे हैं तो क्या होगा। तो अगर किसी कैपेसिटर का, जो कैपेसिटर है समझना है, अगर किसी कैपेसिटर का सीआर सीरीज, किसी कैपेसिटर को किसी एसी से अटैच कर रखा आपने और उसका आपने ओमेगा बढ़ा दिया, तो उसका एक्सी जो है वन बाई ओमेगा सी है, ओमेगा बहुत, ओमेगा मैंने जीरो रखा आपने, मतलब जीरो रखने का मतलब कि इट इज नॉट लाइक अ एसी सोर्स, तो उस केस में कैपेसिटेंस का जो रिएक्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। सो इन दैट सिचुएशन सर्किट में कोई ओमेगा टेंडिंग टू जीरो, दिस इंप्लाइज एक्सी टेंडिंग टू इंफिनिटी, और एक्सी टेंडिंग टू इंफिनिटी मींस जेड सी आर टेंडिंग टू इंफिनिटी, this tending to I is equal to zero in circuit, omega tending to zero, to by one by omega c tending to infinity, yani ki z c r tending to infinity, I will be tending to zero, so circuit mein koi current ho nahi payega। samajh mein aa gayi baat, clear hai ye, saaf saaf samajh mein aana chahiye। to ab hum matlab wo pura ka pura jo circuit hai wo usme koi current nahi pass hoga, agar omega tending to zero hoga to kuch aisa ho raha, I tending to zero हो रहा है। अब अगर omega tending to infinity हो रहा है, so this says that XC tending to zero हो रहा है। तो XC tending to zero हो रहा, तो ZCR is tending to what? R। By infinity ये zero होगा, ZCR tending to R। तो इस केस में this is pure resistive circuit बन जाएगा, ये pure resistive circuit बन जाएगा। ठीक है जी? That's what the point is। अब अगर ओमेगा टेंडिंग टू जीरो ना हो करके, मतलब कुल मिलाकर के अगर ओमेगा टेंडिंग टू जीरो हो रहा है, तो जेड सी आर टेंडिंग टू दिस, आई टेंडिंग टू जीरो, फिर भी उस केस में हम ये मानेंगे कि अगर हम इस केस की बात करें तो वो प्योर कैपेसिटिव जैसा होगा, क्योंकि अगर ओमेगा बहुत छोटा होगा
omega tending to zero, not zero, but nearly zero. Omega is greater than zero, but very near to zero, but very near to zero. तो उस केस में ये पूरा xc की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी इस हिसाब से, तो वो प्योर कैपेसिटिव होगा, प्योर कैपेसिटिव सर्किट बन जाएगा. ठीक है जी. सो दैट्स हाउ द पॉइंट इज टू बी अंडरस्टूड. और अगर टेंडिंग टू जीरो बिल्कुल पास में आ गया तो कहानी समझ में आई गई, सारी बात मैंने आपको बता दी यहाँ पे. नाउ तो हमें इसके मैग्नीट्यूड के बारे में भी पता है, ये भी पता है. अब हमें क्या निकालना है भाई, हमें तो हमने उसका मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकली निकाल लिया वेक्टर्स को यूज करके. यहाँ दिखाएंगे तो क्या होगा, तो विल शो इट लाइक दिस, हम उसको ऐसे दिखा देते हैं. सो विल टेक इट लाइक दिस कि भाई ये आपका वीसी वेक्टर है, दिस इज योर वीसी वेक्टर, समथिंग लाइक दिस. ओके, ऐसे ऐसे मान लो. गुड नाउ, ओके फाइन, ये हमारा वीसी वेक्टर, एंड दिस वीसी वेक्टर इज कनेक्टेड विथ दिस वीआर वेक्टर, दिस इज वीआर वेक्टर. तो अगर आपने वीआर बना दिया, अब आपका जो रिजल्टेंट फेजर आया वो ये आया, ये जो रिजल्टेंट फेजर आया वो ये है. अब आपने देखा कि आपका करंट फेजर यहाँ है, आपका करंट फेजर ये है और ये वोल्टेज फेजर है, ये आपका वोल्टेज वी फेजर है सर्किट का, जो कि वी सी प्लस वी आर से आया. सो दिस इज व्हाट, दिस इज फाई. अब यहां भी पता चल रहा है कि करंट फेजर कैपेसिटर के वोल्टेज फेजर से, जो वी वोल्टेज फेजर है सर्किट का, उसे ये फाई ऊपर है, यानी कि करंट लीड कर रहा है इस वोल्टेज से, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज फेजर से. सो बाय फेजर डायग्राम इट इज वेरी ऑब्वियस, बाय फेजर डायग्राम इट इज ऑब्वियस that current leads voltage, current leads voltage by a phase angle of phi, and that phi is how much now, so that phi you can find from here. तो ये क्या होगा, इस triangle में आप देखें तो जो phasor triangle आपको मिल रहा है, तो ये क्या है VC, ये क्या है VR, तो आप यू कैन से दैट 10 phi इज इक्वल टू दिस, 10 phi इज इक्वल टू VC परपेंडिकुलर अपॉन VR. इसको सॉल्व करोगे तो ये I into XC डिवाइडेड बाय I into R. तो आप यहां से I काट कूट करके क्या निकाल के लेके आओगे, सो योर रिजल्ट इज कमिंग XC अपॉन R, दैट इज 1 बाय R ओमेगा C. क्लियर है पॉइंट. और दिस phi इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ, यू कैन राइट 10 इनवर्स ऑफ XC अपॉन R, और यू कैन राइट 10 इनवर्स ऑफ 1 like this. ये आपका फाई की वैल्यूज आ गई. तो इस तरीके से आपने देखा कि वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेज एंगल है, और कहां कहां से छोटे छोटे इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. एवरी पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट, और हर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस किया जा सकता है. सो टिल नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि भाई एला सर्किट क्या होता है, सीआर सर्किट क्या होता है. Now I'm not showing you the mathematical treatment of this. I want that कि आप इसका mathematical treatment करने की कोशिश करें, ठीक है. You'll be having a lot of problem, और फिर बाद में आपको बताया जा सकता है इसको कैसे किया जा सकता है. लेकिन उस mathematical problem में आप फंसने के बाद आपको realize होगा कि okay, इसीलिए ये phasor पढ़ाया गया, ठीक है. बरसों पहले हम लोग इसको complex number के methodology से पढ़ते थे, complex number use करके पढ़ाया जाता था, which was
lot more difficult. ठीक है बच्चों, सो द आइडिया इज कि हमने यहाँ पे एल आर और सी आर तो पढ़ लिया, अब हमें एल सी आर सीरीज सर्किट पढ़ना है. सो वी नीड टू स्टडी एल सी आर सीरीज सर्किट, एल सी आर सीरीज सर्किट. सो दिस इज एल सी आर सीरीज सर्किट, मैं ये पढ़ना है एल सी आर सीरीज सर्किट. तो गाइस, एलसीआर सीरीज सर्किट पढ़ना. सो व्हाट आर आई गोइंग टू डू नाउ, अब यहाँ पे एक इंडक्टर बनाते हैं हम लोग, कैपेसिटर बनाएंगे और रेजिस्टेंस बनाएंगे, और फिर मैं आपको यस बच्चों, सो नाउ वी आर हियर टू गो फॉर दिस एलसीआर सीरीज सर्किट. तो ये हमारे पास इंडक्टर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, ये हमारा एसी सोर्स है, दिस इज द एसी सोर्स. जैसे ही हम इसके स्विच को ऑन करेंगे, इसमें कोई करंट पास होगा, सो किसी एक इंस्टेंट पे हम इसमें करंट मान लेते हैं. सो लेट एट एनी इंस्टेंट, लाइक वी सिंपली से दैट एन एसी सोर्स इज, वी कंसीडर अ सीरीज कॉम्बिनेशन, अ सीरीज combination of L, C and R which is attached with an AC source ke sath humne isko attach kar diya. We need to find the phase angle between current phasor and the voltage phasor of the circuit. We have to study phase angle between voltage and current in them. तो भाई उनमें जो करंट पास हो रहा है, जो उसका वोल्टेज है, उसके बीच का फेज एंगल हमें पढ़ना है. Let at any instant. Current is I is equal to I naught sine omega t. Right. Let at any instant current in circuit is I is equal to I naught sine omega t. So this current, if I is a current, तो हमें पता है कि जो voltage across capacitor होगा, जो voltage across, right? If I is equal to this, and let's suppose इसको मैं एक current phasor कहता हूँ, this is I vector से represent कर दिया, current phasor मान. Let at any instant current in circuit is I is equal to this, इसको I vector मान लिया, ये current phasor हो गया. Then VR is parallel to I, same direction mein, okay, and VC perpendicular to I, 90 degree, and VL yahan pe and chalo theek hai, ek baar and likhne se koi zyada fark nahi padta, aap samajh rahe honge. VL is perpendicular to current phasor. बट हियर इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहाँ वोल्टेज लीड्स करंट और वहां पे इस जगह पे कौन करता है भाई, वोल्टेज लीड्स करंट. पता नहीं आप इतना छोटा होगा, आप इसको पढ़ पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे. सो इट्स बेटर टू सो आई से दैट कि
इस केस में क्या होता है, वोल्टेज लीड्स करंट होता है, वोल्टेज लीड्स करंट होता है, दिस इज व्हाट वी नो। और इस केस में क्या होगा भाई, करंट करंट लीड्स वोल्टेज, सो दिस इज व्हाट वी नो अबाउट हियर। सो लेट एट एनी इंस्टेंट करंट इन सर्किट इज दिस, एंड इसको करंट फेजर आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो वोल्टेज वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस है दैट फेजर इज पैरेलल टू आई, वो सेम डायरेक्शन में होता है और ये 90 डिग्री पे होते हैं। सो अगर हम इनको फेजर डायग्राम से यूज करें, फेजर डायग्राम से यूज करें, सो यू बाय फेजर डायग्राम, सो बाय फेजर डायग्राम अगर हम चलें, फेजर डायग्राम तो क्या होगा भाई, फेजर डायग्राम से चले तो हम will say that ki okay let's see this is the voltage phasor, pehle maine dikhaya jo resistance ke across hai, so this is the voltage phasor, ye resistance ke across jo voltage phasor hai wo ye, aur circuit mein jo current phasor hai, circuit mein jo current phasor hai usko humne dikha diya kuch is tarike se ki bhai this is current phasor, to ye to aap har baar dikhaye aa rahe hain ki ye current phasor ho gaya, ye voltage ho gaya, aapne bola ki ye vr को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग आई फेजर, एंड ये ओमेगा टी है, सो आई नॉट साइन ओमेगा टी यहां से आ जाएगा, यहां से वी आर साइन ओमेगा टी आ जाएगा, जो कि आई नॉट इनटू आर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये सब चीज तो पढ़ा चुका मैं आपको। अब दूसरी बात ये है कि अगर करंट फेजर ये है तो जो इंडक्टर का जो वोल्टेज फेजर होगा वो इस फेजर से 90 डिग्री पे होगा, तो उसको कैसे दिखाएं भाई, इंडक्टर का वोल्टेज फेजर आपको दिखाना है, सो लेट्स टेक दिस एंड यू से कि ये इंडक्टर का वोल्टेज फेजर है जो कि इससे 90 डिग्री पे, इससे 90 डिग्री पे, आई होप दिस इज क्वाइट ऑब्वियस कि यस इससे 90 डिग्री, तो ये आपके पास आ गया जी, ये इंडक्टर का वोल्टेज फेजर आ गया, नाम दे दो आप इसको VL, दिस इज VL फेजर, राइट right. अब कैपेसिटर का जो वोल्टेज फेजर होगा वो करंट फेजर से 90 डिग्री पीछे होता है, तो ये 90 डिग्री आ गया और वो 90 डिग्री पीछे, तो ऑब्वियसली जो कैपेसिटर का वोल्टेज फेजर होगा वो इसी लाइन पे कहीं होगा। अब दैट वी डोंट नो कि जो वीएल फेजर, आई मीन जो वोल्टेज फेजर जो इंडक्टर का है उसका एम्पलीट्यूड बड़ा है या कैपेसिटर के वोल्टेज फेजर का एम्पलीट्यूड बड़ा है, तो वी कैन टेक आर्बिट्रेरली कोई भी बड़ा कोई भी छोटा लेके ड्रॉ कर सकते हैं हम, हमें नहीं मालूम कि कौन बड़ा है जी, तो इन दैट सिचुएशन वी आर जस्ट जस्ट हमें नहीं मालूम कि कौन बड़ा है, तो उस केस में हमने क्या किया, वी जस्ट टुक लाइक दिस एक ये हमने यूज कर लिया भाई कि ओके दिस इज, थोड़ा इसको बड़ा बना देते जानबूझ करके, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर भी रख सकते हैं, इसको छोटा भी कर सकते हैं, उसको इससे बड़ा भी कर सकते हैं, वी कैन टेक एनी सिचुएशन, तो अभी फिलहाल हमने इसको थोड़ा इससे बड़ा ले लिया ऐसे, और हमने बोला कि ये जो है हमारा साहब ये है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ये वाला फेजर, तो अगर आप फेजर डायग्राम से बना रहे हैं तो आपने ये देख लिया कि इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है, एंड यू ऑल्सो नो दिस एंगल इज 90 डिग्री, आपको पता है कि करंट फेजर इससे 90 डिग्री अहेड है, यानी कि इसका वोल्टेज लैग करता है करंट से। अच्छा आप ये सोचेंगे कि सर इसमें भी आपने दो गोले क्यों नहीं बढ़ाए, अरे ये गोला तो सिर्फ एक तरीका है बताने के लिए कि देखो ये रोटेटिंग वेक्टर है, आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप गोला लगा करके ही बनाए, इस तरह के ना, सो ये बात मैंने आपको समझा दी, गोला बनाने से आपका थोड़ा डायग्राम अच्छा लगता है, अदरवाइज आपको ये मालूम होना चाहिए कि रोटेटिंग वेक्टर है और ये ओमेगा से जा रहा है, सो दिस इज आल्सो टर्निंग बाय ओमेगा, ये भी ओमेगा से, ये भी ओमेगा से, सब लोग ओमेगा से चेंज हो रहे हैं, सो ओमेगा इज लाइक एंगुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फेजर या एंगुलर वेल ऑफ फेजर, जो भी फेजर है ऑफ ऑल फेजर, ऑफ ऑल फेजर्स, ऑल फेजर्स सारे फेजर्स का ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो बाय फेजर डायग्राम व्हाट डू यू सी, अब
इसको ना अगर हम मैथमेटिकली करते तो दिक्कत होएगा, जो हम अगला टॉपिक हमारा है, और ये देखना कितना आसानी से जा रहा है. सो नाउ यू लुक हियर, व्हाट यू सी दैट कि v वेक्टर जो हमारा आया है, दिस वोल्टेज फेजर जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, दिस v, दिस वोल्टेज फेजर इज व्हाट, वी कैन से दैट कि ये करंट फेजर तो ये है, तो भाई इनका इनका इन तीनों का जो रिजल्टेंट होएगा, एक दो तीन, इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा, दैट रिजल्टेंट इज द वोल्टेज फेजर. सो दिस वी फेजर इज व्हाट, वी एल प्लस वी सी एंड वी आर. सो बाय फेजर डायग्राम वी नो दैट voltage phasor of circuit is given by this. Okay, all right ji. अब अगले स्टेप में मैं इसको वी आर लिख लेता हूँ ऐसे, और प्लस, और यहां देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ यूजिंग वी एल और यहाँ यूजिंग वी सी, ये एरो लिया, ये एरो लिया, और यहाँ पे एक ये साइन यूज किया, और ये वी वेक्टर. क्या मतलब है? हियर द मीनिंग इज कि वीएल और वीसी, वी नो दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन. वीएल और वीसी दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में. सो ऑब्वियसली कि अब जो वीएल बड़ा होगा तो वीसी माइनस कर देंगे उसमें से, अगर वीसी बड़ा होगा तो वीएल उसमें माइनस कर देंगे. अब यहां पे ये नोटेशन यूज किया गया, मतलब जो बड़ा होगा उसको पहले लिख लेने का. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. सो दिस वी वैक्टर इज इक्वल टू ये वाला वेक्टर, और इनका जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन से जो एक आएगा, चूंकि ये दोनों एक लाइन पे हैं, तो इनका रिजल्टेंट बनेगा कोई, और उनका जो रिजल्टेंट होगा, और ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे, तो इस वी फेजर की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? सो दिस वी का मॉड इफ यू टॉक, सो दिस इज गोइंग टू बी द वी आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी एल, अभी भी साइन ऐसे यूज कर लेते हैं, वी सी इसका स्क्वायर, और अंडर रूट कर देते हैं. जो बड़ा होगा उसको लिखेंगे बेटा यहाँ पे पहले, और छोटे वाले को बाद में लिख देंगे. दैट्स ऑल द पॉइंट इज. तो अब अगर आप इस v की बात करें, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? यू विल से दिस इज i r का स्क्वायर, और यहाँ पे ये क्या है, i, दिस इज x l, दिस इज i x c, x c साइन यही वाला रखो, दिस का स्क्वायर, करेक्ट. अब यहां से भी आई स्क्वायर बाहर क्यों ना गया, आई, अब ये क्या आ गया, दिस इज आर स्क्वायर, और ये आ गया एक्स एल एक्स सी का स्क्वायर, ये वी आ गया. नाउ दिस वी इज इक्वल टू आई, और ये क्या लिखेंगे आप, दिस इज नाउ जेड एल सी आर, सो दिस वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू जेड एल सी आर. Now this ZLCR, this ZLCR is impedance of LCR series circuit. LCR series circuit. This is impedance of LCR series circuit. Okay, fine. Or is Z ki value aap kya likhenge bhai? So this Z is equal to, you know, LCR की बात करें, so this is R square, और ये क्या हुआ जी, XL minus XC जो भी होगा. अब आप चूंकि यहाँ पे माइनस है और इसका स्क्वायर होना है, तो चाहे इसको पहले लिख लो या उसको लिख लो, बात बराबर है, क्योंकि आपने तो इसको स्क्वायर करना है लाइक दिस. इसका मतलब अगले स्टेप में आप इसको क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट अंडर रूट आर स्क्वायर, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, ओमेगा, चूंकि ये ओमेगा एल होता है, ये माइनस वन बाई ओमेगा सी होता है, so you can write omega l minus 1 by omega c, और इसका स्क्वायर कर दीजिए. ये आपके पास z की वैल्यू होगी, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. समझ गए बच्चा लोग? अगर हमने यहाँ पे ये देखा कि सर अब ठीक है, z भी पढ़ लिया, वोल्टेज का ये भी पढ़ लिया, इस v को हम लोग i z l c r लिख सकते हैं. Now here we need to know that कि सर करंट एंड वोल्टेज का जो फेज एंगल है, यानी कि जो ये वोल्टेज फेजर है और जो करंट है, उसके बीच का फेज एंगल कितना होगा? Now that is to be decided by one fact
वॉट, कि VL और VC में से जो बड़ा होगा, सपोज अगर VL बड़ा है VC से, तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा, और फिर जो VL माइनस VC होगा और जो VR होगा उसका रिजल्टेंट इधर आएगा, और अगर आप VC बड़ा है VL से तो वो इधर आएगा, और फिर इस तरीके से बनेगा। तो आपके लिए तीन स्थितियां बन रही है, देयर आर थ्री सिचुएशंस ओवर हियर। सो लेट मी डील द फर्स्ट टू सिचुएशन हियर। आई होप दिस यू हैव अंडरस्टूड, एंड आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर ये V नॉट है तो ये I नॉट है। तो यहाँ पे भी मैं लिख दूँ, यहाँ पे दिस V इज इक्वल टू I Z L C R, दिस इंप्लाइज दैट Z निकालना चाहते हो तो वोल्टेज अपॉन करंट होगा। दूसरी बात, अगर ये V नॉट है तो ये I नॉट इंटू Z है, राइट। अगर ये V RMS है तो ये I RMS इंटू Z है, और अगर ये V मीन है तो वो राइट, V इंस्टेंटेनियस है तो वो I इंस्टेंटेनियस इंटू Z है। समझ रहे होंगे बच्चे आप मेरा पॉइंट। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू डील विद। ओके, नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द फेज एंगल ऑफ डिफरेंट सिचुएशन। तो पहला सिचुएशन क्या मान लिया, लेट्स सी, ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1/ωc। इफ इट इज लाइक दिस, देन वी एल विल बी ग्रेटर देन वी सी। लेट ये मान लिया कि अगर ओमेगा एल की वैल्यू 1/ωc से बड़ी है, यानी कि वी आर सेइंग दैट XL इज ग्रेटर देन XC, यानी कि रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर इज ग्रेटर देन रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। सो इफ इट इज अ सिचुएशन, तो आपका ये फेजर डायग्राम कैसा बन जाएगा? सो इन दैट सिचुएशन योर फेजर डायग्राम विल बी, अब ये फेजर डायग्राम हम लोग बार बार ना बनाएं, हमें गोला बनाने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके हैं मेरी बात, पहले तो आपने ये बना लिया। अब आप कह रहे हैं कि ओके, ये आपका रेजिस्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज फेजर है, और इसी पे आपका करंट फेजर कहीं पड़ा हुआ है, समथिंग लाइक दिस, दिस इज योर करंट फेजर, ये करंट फेजर है। अब आपने ओमेगा एल और ओमेगा सी में आपने बोला कि बड़ा है, कौन जी, यू सेड दैट ओमेगा एल बड़ा है, तो भाई इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, तो अब आपने ये बड़ा मान लिया, तो यू से दैट ओके इट इज लाइक दिस, ये चूंकि जैसा होएगा भाई, चूंकि आपने एक में से दूसरे की वैल्यू घटाई, दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन। सो हियर व्हाट यू से, यू आर सेइंग दैट कि भाई यहां पे जो आपने बताया, ये बोला कि ये हमारा वी आर फेजर है, ठीक है, ये हमारा करंट फेजर है, और ये अब क्या हुआ, वी एल माइनस वी सी जो आया उसको एक वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, और ये 90 डिग्री पे है, और ये ओमेगा टी है, ओमेगा टी, दैट्स ओके नाउ। तो अब इनका रिजल्टेंट जो होगा वो कैसे दिखाएंगे आप, तो इसका रिजल्टेंट बड़ी सिंपली आप ऐसे दिखा दीजिए, ओके, ये आप ऐसे बनाएंगे, इट इज जस्ट अ फॉर्मैलिटी, यू नो दैट की हाउ इट इज टू बी मेड। सो दिस इज राइट, और अब यहां से आपने एक रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया, सो यू आर शोइंग भाई ये जो हमारा फेजर आया, दिस इज आवर रिजल्टेंट फेजर, तो ये आपका वोल्टेज फेजर बना इस केस का, दिस इज योर वोल्टेज फेजर, ये वोल्टेज फेजर बन गया, और ये करंट फेजर है, इनके बीच में ये वाला जो एंगल है इसको आपने कहा फाई। नाउ दिस फाई इज फेज एंगल। सो अगर ओमेगा एल 1/ωc से बड़ा होगा, यानी कि वी एल वी सी से बड़ा होगा, यस, तो जो आपका जेड होएगा, तो जेड को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर, और फिर विल से ओमेगा एल 1/ωc का स्क्वायर, दिस यू कैन राइट जेड के लिए। और आप अगर करंट की बात करें, सॉरी नेट वोल्टेज की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट दिस वोल्टेज, तो इसका मॉड कितना आएगा भाई, सो दिस इज कमिंग आउट आई अंडर रूट आर स्क्वायर और फिर ओमेगा एल माइनस 1/ωc का स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया।
और वोल्टेज और करंट के बीच का जो ये फेज एंगल है 10 phi की अगर बात करें तो ये 10 phi कैसे निकलेगा, सो बाय दिस अपॉन दिस, यानी कि यू आर गोइंग टू राइट VL माइनस VC अपॉन R, सो दिस इज गोइंग टू बी देयर ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C अपॉन R, सो phi इज इक्वल टू यू कैन राइट 10 इनवर्स ऑफ व्हाट ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C, ठीक है, C अपॉन R, दिस इज व्हाट यू कैन राइट, ये आपके फेज एंगल हो गया। सो अगर ओमेगा एल ओमेगा सी से 1 बाय ओमेगा सी से बड़ा होगा, एक्सएल अगर एक्सएल से बड़ा होगा, सो यू से दैट वोल्टेज वोल्टेज लीड्स करंट बाय अ फेज एंगल ऑफ phi, दैट phi इज शोन हियर। अब अगर दूसरा कंडीशन मान ले, लेट्स गो फॉर द अनदर सिचुएशन एंड यू से दैट की कंडीशन हमने ये लिया कि भाई XC इज ग्रेटर देन XL, दिस मीन्स VC इज ग्रेटर देन VL, है ना, बिकॉज 1 बाई ओमेगा C वी से दैट ग्रेटर देन ओ ओ ओ ओ ओ 1 बाई ओमेगा C इज ग्रेटर देन ओमेगा L, सो अगर 1 बाई ओमेगा C ओमेगा L से बड़ा है, अब आप ये नोटिस कर रहे हो ना कि ये कब होएगा, या तो 1 बाई कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत छोटी हो, ओमेगा सेम हो, कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत छोटी हो, तब हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि भाई ओमेगा छोटा करते जाओ, जितना ओमेगा छोटा करते जाओगे तो ओमेगा सी का प्रोडक्ट उतना छोटा होता जाएगा और ओमेगा एल की का ये प्रोडक्ट भी छोटा होता जाएगा, ये 1 बाई ओमेगा सी होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अरे हाँ, सो अगर इस सोर्स में ये जो सोर्स आपने यहाँ लगाया है इसका ओमेगा छोटा होता जाएगा, सो ओमेगा सी की वैल्यू छोटी होती जाएगी, ओमेगा भी छोटा हो जाएगा, वो 1 बाई ओमेगा सी की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो कहानी कुछ और हो जाएगा। यस, तो अगर आपने यहां देखा कि इन दिस केस द ओमेगा एल 1 बाई ओमेगा सी से बड़ा है, सो दिस इज समहाउ बिहेविंग लाइक व्हाट, LR सीरीज सर्किट, सो इट विल बिहेव लाइक अ LR सीरीज सर्किट, ठीक है ना, क्योंकि उसका वोल्टेज ऐसे बड़ा, वो अलग बात है कि इट्स नॉट ओमेगा एल बाई आर, सो I hope you got it now. So VC is greater than VL. अच्छा, यहाँ पे एक बात और देखना कि अगर मैं इस ओमेगा की वैल्यू को बहुत बड़ा करते जाऊँ, if I make the ओमेगा more, bigger, ओमेगा जितना बड़ा होता जाएगा तो ये वैल्यू तो बड़ी हो जाएगी, ये वैल्यू छोटी हो जाएगी और इसका स्क्वायर जो होगा इस R से बड़ा हो जाएगा, तो ये फिर क्या हो जाएगा, प्योर इंडक्टिव होता जाएगा। Yes. और दूसरे केस में अगर मैं ओमेगा छोटा करता जाऊंगा तो उस केस में दिस वैल्यू विल बी स्मॉलर, दिस वैल्यू विल बी बिगर एंड वो आर से भी बड़ा जाएगा, तो वो कैपेसिटी बनता जाएगा। समझ गए आप मेरी बात? यस। तो अगर ये सिचुएशन होगा तो फिर से आप अगर फेजर डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, सो इट इज समथिंग लाइक दिस। अब आप इस पे करंट फेजर लीजिए, पहले रेजिस्टेंस के फेजर को आप दिखा दीजिए कि भाई रेजिस्टेंस का जो फेजर वो ये है, ये रेजिस्टेंस का फेजर है, और इसी पे आप अपना करंट फेजर भी दिखाइए कि भाई जो करंट फेजर है वो करंट फेजर कुछ इस तरीके का है, करंट फेजर आपके पास ये है, दिस इज योर करंट फेजर, और अब आपने बोला कि इनका दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है VL और VC का, VC बड़ा हो गया, क्यों, क्योंकि 1 बाई ओमेगा सी की वैल्यू बढ़ी है, क्योंकि XC बड़ा है, सो इन दैट सिचुएशन हमारे पास जो VL माइनस VC से जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरीके से बन के आएगा, समथिंग लाइक दिस, ये हमारे पास होगा, सो वी से दैट ओके, ये हमारे कौन सा हुआ जी, VC माइनस VL इस फेजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज ओमेगा टी और ये 90 डिग्री है, देयर शुड बी नो डाउट, ये 90 डिग्री। अब इन दोनों फेजर से जो रिजल्टेंट आएगा, तो इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा, इट इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम बट आई नीड टू शो यू, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ओके, ऑलराइट, और ये
एंड नाउ विल शो ये हमारा करेंट और आई मीन ये हमारा नेट सर्किट का वोल्टेज फिगर है. सो दिस इज वॉट वी हैव गॉट इट हियर कि ये हमारा जो है ये वोल्टेज फिगर है सर्किट का, वोल्टेज फिगर है सर्किट का. सो नाउ व्हाट वी सी दैट कि जो ये करंट फेजर है और ये है, इसके बीच में ये एंगल कितना है भाई, दिस एंगल इज 5. और अब ये निकालना है तो ये वैल्यूज इसके बराबर है और ये वीआर है. तो अगर आप 10 5 निकालना चाहेंगे यहां से तो वो कैसे निकलेगा, वीसी माइनस वीएल अपॉन वीआर का मॉड से उसको सॉल्व करोगे, आई बाहर निकाल दोगे तो ये क्या आएगा, एक्ससी माइनस एक्सएल अपॉन आर से उसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 1/ωc माइनस ओमेगा एल अपॉन आर से. एंड नाउ यू कैन राइट दिस फाइ इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ व्हाट, 1/ωc माइनस ओमेगा एल दिस डिवाइडेड बाय आर. यू कैन राइट लाइक दिस, ये फाइ की वैल्यू आ गई. एंड यू नो दैट कि करंट लीड्स वोल्टेज. सो गाइस ये दो सिचुएशन तो हो गए. Now there is a third situation. What is that third situation? अब आपको यहाँ पे ये पता चल गया कि अगर ओमेगा बढ़ा करोगे, ओमेगा increasing और being high, तो circuit will behave as pure inductive. मतलब बहुत बड़ा होता जाएगा तब. मतलब circuit will be, ओमेगा tending increasing, यानी कि ओमेगा tending to infinity, something like infinity, behave as pure inductive के जैसा हो जाएगा. Yes, अगर omega decrease होता जा रहा है, तो वो pure capacity वाली situation होगी. मतलब so omega is decreasing and tending to zero, it's not zero, so circuit will be capacitive बनता जाएगा, will be pure, behave like pure capacitive. समझ गए होगे आप लोग मेरी बात, ये ठीक है जी. दैट्स व्हाट द पॉइंट इज. अब अगर एक सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि सर ओमेगा एल और ओमेगा सी दोनों बड़े बराबर हो जाए. सो इन दैट सिचुएशन व्हेन ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ωc, अगर ऐसा सिचुएशन है सर, तो फेजर डायग्राम से क्या सिचुएशन दिखाएंगे आप जरा जल्दी जल्दी हम लोग बनाए फेजर डायग्राम और फिर देखते हैं कि क्या दिख रहा है. ये करेक्ट, फिर हमने यहां पे लिया, वी हैव टेकन दिस, ये वी आर लिया, फिर हमने यहां पे ये यूज किया भाई, दिस इज, ये हमने बोला कि वीसी है, फिर हमने इसको यूज किया भाई, ये हमारा ये बोला कि वीएल है हमारा, सेम लेंथ का रखा, ठीक है. और इस पे हमारा करंट फेजर है, दैट देयर इज अ करंट फेजर, समथिंग लाइक दिस, ये हमारा करंट फेजर. तो इस केस में अगर ये VL और ये VC है और VL का मॉड VC के बराबर है, यानी कि ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ωc है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. ये आपका करंट फेजर है, ये VR फेजर है. सो एज अ रिजल्ट आप क्या देखेंगे, एज अ रिजल्ट यू विल बी इन अ वेरी हैप्पी मूड. Why? Because you will simply say that, okay, यहाँ तो कुछ खास बचा ही नहीं भाई, ये आपका VR हो गया और ये आपस में कैंसिल हो चुके हैं, तो सिर्फ will show like this, और ये आपका फाइनल, यार कि ये करंट आएगा और ये VR आएगा, चूंकि ये तो आपका कैंसिल हो गया, ये ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी है, ये पाई बाई टू था और ये भी पाई बाई टू था. So this is how it is going to be, omega t. So agar aisa situation hua, so
दिस इंप्लाइज कि करेंट एंड वोल्टेज विल बी इन सेम फेज। फिर इसका मतलब कि ये दोनों एक रिएक्टेंस एक दूसरे को अपोज कर गए और इस सर्किट में जो करंट पास होगा वो द सर्किट विल बी प्योर रेजिस्टिव, यू नो, दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। दिस इज हैपनिंग सर्किट विल बी प्योर रेजिस्टिव जैसा काम करेगा। समझ गए आप मेरी बात? Circuit will be pure resistive, something like this. If this is all happening, right? So current and voltage will be in same phase. Ab wo aapne dikha diya. Yani ki omega L jab 1 by omega C hua, to omega square is equal to kya ho gaya? 1 by LC ho gaya. So omega is equal to kya ho gaya? 1 by LC ka under root. This is omega naught se represent karte hain hum log isko. And this is called resonating angular frequency. Why do we call it resonating angular frequency? Beta, is case mein hum ye kehte hain ki ye resonance ka case hota hai. To ye resonance ka case hai, yani ki this is case of what? Number one, resonance. Case of maximum current and case of minimum impedance. क्योंकि आपका जेड क्या हो गया भाई? जेड निकालोगे तो जेड क्या हो गया? ये तो आर हो गया, आर स्क्वायर है, और ये तो जीरो बन गया, तो जेड इज इक्वल टू क्या आएगा? आर आएगा। पहले तो कुछ आ रहा था ना, तो ये जेड की क्या हो गई? मिनिमम वैल्यू हो गई। तो ये जेड का मिनिमम हो गया, इसलिए मिनिमम इम्पीडेंस का केस बन गया। एंड चूंकि जेड मिनिमम हो गया तो भाई वो I is equal to V upon जेड होना था, सिंस I is equal to वोल्टेज अपॉन जेड होना था, और जेड क्या बन गया? जेड मिनिमम बन गया। तो अगर ये जेड मिनिमम है तो करंट क्या होगा? आई मैक्स हो जाएगा। दिस इज हाउ इट इज मैक्सिमम करंट, ठीक है? इसको केस ऑफ रेजोनेंस कहते हैं। तो ये जो रेजोनेंस बनेगा, या ओमेगा नॉट को रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेंगे, और अगर यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाले, ओनली फ्रीक्वेंसी की बात करें तो, सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट न्यू नॉट, सो दिस इज 2π न्यू नॉट, सो 1/2π अंडर रूट वॉट LC। सो अगर आप जो क्वाइल है AC सोर्स का, इफ इट इज टर्निंग बाई दिस फ्रीक्वेंसी, तो उस केस में जो L और C जो लगे हुए हैं और उनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, वो दोनों की पोलैरिटी कुछ इस तरीके से होगी कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, अपोज, दोनों की एक दूसरे को अपोज करेंगे, और फिर सर्किट विल बी प्योर रेजिस्टिव। इस बात को ठीक से समझने के लिए और फील करने के लिए हमें अलग से एक टॉपिक करना पड़ेगा, राइट? सो वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट पर्टिकुलर रेजोनेंस, कि हाउ दैट रेजोनेंस इज टेकिंग प्लेस हियर इन दिस लेक्चर। विल बी डूइंग सम सेपरेट लेक्चर फॉर दैट। फिलहाल मैथमेटिकल जो ट्रेंड है, दैट यू हैव अंडरस्टूड, इसको मैक्सिमम करंट क्यों कहते हैं, मिनिमम इम्पीडेंस का केस क्यों कहते हैं, रेजोनेंस क्यों हुआ, क्योंकि सर्किट में करंट बहुत ज्यादा हो गया और ये दोनों एक दूसरे को, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऐसी हो गई कि ओमेगा एल और 1/ωC की वैल्यू क्या हो गई? सेम हो गई, दोनों के रिएक्टेंस एक दूसरे को अपोज करके कैंसिल हो गए, एंड दिस इज कॉल्ड केस ऑफ रेजोनेंस। अब इससे ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने के लिए वी नीड टू हैव अनदर लेक्चर जिसमें हम ये बात करेंगे। तो गाइज, आज की लेक्चर में हम लोगों ने जो कुछ पढ़ना था, खास करके ये पॉइंट, दिस वी हैव डन इट। अब ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ LC सीरीज सर्किट क्या है, तो ये अगर हम करना चाहते हैं, तो अब देखो, मैंने इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट तो आपको दिखाया है, इसके लिए बोला कि आपको ट्राई करना चाहिए CR के लिए। LCR की अगर हम बात करें, सो वी कैन ट्राई दैट एंड वी विल बी डूइंग राइट नाउ। तो चलो उसको करके देखते हैं, हम आपके लिए कर रहे हैं, और बहुत ध्यान से समझने की जरूरत पड़ेगी। We need to be very careful and sab kuch ko theek se samajhna hoga. So let me take you to the next page and make you understand that. Yes, so we have to do this mathematical treatment, and now what we are doing here. So ye theek hai, inductor resistance and capacitor liya, AC source hai, switch on kiya, current pass hoga isme.
सो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करने के लिए व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली वी वांट टू सॉल्व ये जो इस सर्किट में जो वोल्टेज है जो कि इसके बराबर है और इसमें जो पास होने वाला करंट है उनके बीच का फेज एंगल कितना होगा एंड इसका इम्पीडेंस जो हमने निकाला है वो कितना होगा और वोल्टेज और या फेज एंगल कितना होगा. तो मेन पर्पस इस फेज एंगल कितना होगा और उसको हम फेजर डायग्राम से नहीं निकालना चाहते हैं. वी वॉन्ट टू डू इट मैथमेटिकली. तो कैसे करेंगे भाई, हाउ वी आर गोइंग टू डू इट विदाउट यूजिंग फेजर डायग्राम. सो यू सी, आप में से बहुत लोग ये सोचेंगे कि क्या जरूरी है ऐसे तरीके से करने के लिए. हमने फेजर डायग्राम तो हमने सॉरी फेजर डायग्राम से तो हमने सीख लिया तो उसकी क्या जरूरत पड़ेगी, दैट इज मोर इजियर. तो यू सी मेनी ऑफ द टाइम्स आपसे ये पूछा जा सकता है कि डू इट थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशन या मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करके इसको दिखाओ, तो फिर आपके लिए सरदर्द हो जाएगा. तो आपको ये आना चाहिए एंड दिस गिव्स यू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू सॉल्व फ्यू डिफिकल्ट क्वेश्चंस. तो इसलिए ये आपको पढ़ाया जा रहा है. सो इट्स इट हैज लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस. सो गाइस, लेट एट एनी इंस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस सर्किट इज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा T. ये वोल्टेज है. ओके, तो जो ये वोल्टेज है यही वोल्टेज इन तीनों के वोल्टेज का सम के बराबर होना चाहिए. ओके, एंड लेट Q is charge on capacitor and I is equal to I naught. Yeah, I is the not, we'll say that I naught, we will not write this equation. We'll say like this. Just a minute. We'll say like I is the current. We'll say like this. I is the current at that instant. हमने Q इस पे चार्ज मान लिया और सर्किट में करंट I मान लिया. Let Q is charge on capacitor and I is the current at that instant when voltage is this much. Then इसका वोल्टेज कितना होगा? Then LdI/dt. Okay. And IR and Q by C. इसका वोल्टेज. यहाँ माइनस साइन क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो तो इसके अपोजिशन को के नेचर को शो करता है. So this plus this should be equal to what? That is V naught sine omega T के बराबर. यानी कि V के बराबर होना चाहिए. अगर सोर्स का वोल्टेज इतना है जो कि इतने के बराबर है तो इन तीनों का सम इसके बराबर होना चाहिए. Now, so V is equal to V naught sine omega T. तो ये हमें मालूम है कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है. This is equation one. और ये सम इसके बराबर होना चाहिए. तो जब तक हम इसमें पास होने वाले करंट को I is equal to I naught sin omega t plus phi या sin omega t minus phi या cos omega t something कुछ नहीं लिख लेते, तब तक तो फेज एंगल निकल नहीं पाएगा. तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हमें सॉल्व करना है और कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपैरिजन करके हम फेज एंगल निकाल पाए. सो पहले तो हमने लिखा LdI/dt plus IR plus Q by C. So E is the voltage across this. तो हमने क्या बोला कि we need, you see this is Q और I क्या होता है dQ/dt और ये है di/dt. अगर Q मालूम है तो dQ/dt से I लिख सकते हैं और अगर I मालूम है तो उसको फिर से डिफरेंशिएट करके di/dt भी लिखा जा सकता है. सो अंडरस्टैंड, जो मैं बात बता रहा हूँ उसको ढंग से सुनोगे तो आपको आगे बड़ा आसान लगेगा. तो हमने बोला कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये रिजल्ट लिखा हुआ है इसको हमें कुछ इस फॉर्मेट में लेके आना है, करंट के फॉर्मेट में लेके आना है. करंट आई मीन मतलब इसको वोल्टेज के फॉर्म में ही कुछ लिखना है ताकि हम कंपेरिजन करके निकाल सके. सो वॉट वी आर गोइंग टू डू इज कि जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, दैट लेफ्ट हैंड साइड
और आई वुड से दैट ओके सो दिस v इज इक्वल टू ये जो v है अभी हम इस v को कैरी करते हैं v इज इक्वल टू l di अपॉन dt एंड दिस इज ir और प्लस q बाय c लिख दिया. दिस v कैन आल्सो बी रिटन एज q बाय c ओके इस i को क्या लिख सकते हैं r dq बाय dt. अगर I को dq by dt लिखा जा सकता है तो du by dt को क्या लिखेंगे d square q upon dt square और into L और plus ऐसे लिख सकते हैं. This is how we can write कि भाई ये इसके across का voltage होगा. Now, why do we substitute like this? पहले तो ये तो समझ में आया कि इनका voltage इसके बराबर होना चाहिए. That is fine कि ये voltage ये बराबर होना चाहिए. Now, why do we replace this all in this format? एक सेंस आपके अंदर एस्टेब्लिश किया जा रहा है कि अगर सर्किट में आपने बोला कि लेट क्यू इज अ चार्ज ऑन कैपेसिटर तो आपको लगता है कि अगर कैपेसिटर के ऊपर का जो चार्ज है क्यू और यहाँ एसी सोर्स लगा रखा आपने तो इस सोर्स का जो ओमेगा होगा जिस एंगुलर वेलोसिटी से ये टर्न कर रहा है तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो भी चार्ज क्या होगा भाई जीरो से क्यू क्यू से जीरो जीरो से माइनस क्यू टू जीरो इसको भी चेंज होना पड़ेगा. इसका मतलब इसके ऊपर का जो चार्ज है वो भी साइनोसॉइडली वेरी करना चाहिए. एंड इफ वी नो दैट कि इसके ऊपर का जो चार्ज है वो साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है तो भाई अगर हम वो रिजल्ट मालूम है क्यू मालूम है तो हम उसे आई निकाल सकते हैं और फिर डी क्यू बाई डी टी भी निकाल सकते हैं या सॉरी डी आई बाई डी टी भी निकाल सकते हैं और फिर इन सब को एक इसे हमें एक पर्टिकुलर क्यू मिल जाएगा और ये मतलब एक ऐसा क्यू चूज करना होगा यानी कि व्हाट आई मीन टू से दैट इस पे जो चार्ज है इस एसी के वजह से इसके ऊपर का जो चार्ज है वो साइनोसॉइडली वेरी करेगा. सो वी नीड टू नो दैट व्हाट इज द साइनोसॉइडल इक्वेशन ऑफ चार्ज जो कि इस पे है टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन ऑफ चार्ज जो इस कैपेसिटर पे है वो क्या होना चाहिए ताकि इन सब क्योंकि वैल्यू रख दें ये वैल्यूज रख दें ये रख दें तो ये जो आना चाहिए वो v नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर आ जाना चाहिए. ये जो रिलेशन है इस रिलेशनशिप को हमें इस्तेमाल करके और फिर जब q आ जाएगा तो हम उसे करंट निकाल लेंगे और फिर जब करंट आ जाएगा तो करंट का फंक्शन और वोल्टेज के फंक्शन को आपस में कंपेरिजन करके उनके बीच का फेज एंगल निकाल लेंगे. समझ में आ रही बात. सो दिस इज वाई वी आर राइटिंग दिस. अब जरा इस इक्वेशन को देखो q बाई सी आर डी क्यू बाई डी टी डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर एल तो आपको नहीं लग रहा कि ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन एक तरीके से बना हुआ है. यस तो भाई इसमें क्यू की क्या वैल्यू होनी चाहिए ताकि ये सब इसके बराबर हो जाए तो हमें तो नहीं बताया कि क्या होना चाहिए तो हम एक एजम्पशन ले लेते हैं ये करने के लिए. सो लेट वी आर टेकिंग दिस लेट क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी और आप ऐसे लिख देंगे तो आपको कैसे पता है कि इस अगर ये v नॉट साइन ओमेगा टी है तो q नॉट साइन ओमेगा टी होगा. यू कांट से दैट दिस एंड दिस इज सेम फेज. फिर अगर ऐसा होगा तो यही कहानी हो जाएगी. तो भाई इसके वोल्टेज और इस पे जो चार्ज है इसके बीच में भी कोई फेज एंगल होना चाहिए ना भाई. तो आप साइन ओमेगा टी लिख करके तो नहीं छोड़ सकते तो आप कोई वैल्यूज रख लीजिए. यू शुड राइट समथिंग. तो लेट सी आई टेक इट हियर सम डेल्टा साई कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग. सो लेट सी आई एम यूजिंग हियर ये साइन यूज कर लिया साइन ओमेगा टी प्लस दिस राइट ओके चलेगा. ऑलराइट तो अब ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है डेल्टा यूज कर लेते हैं. लेट्स यूज डेल्टा ठीक है जी. इसको हटा के हम डेल्टा यूज कर लेते हैं. सो आई से दैट या थीटा भी यूज कर सकते हैं. लेट्स यूज थीटा. हमने इसको थीटा कर लिया इसकी वैल्यू हमने थीटा ओ ओ ओ ओ ओ लेट्स टेक थीटा. तो हमने इसको थीटा चूज कर लिया और थीटा ले लिया. ओके भाई थीटा ले लिया. Q इज इक्वल टू Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा. दिस थीटा विल बी टेलिंग अस कि इसके और इसके बीच का फेज एंगल जैसा क्या होगा. दैट इज हाउ वी विल बी अंडरस्टैंडिंग सोर्स के और उसके बीच में ठीक है जी. चूंकि यहाँ साइन ओमेगा टी है यहाँ साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है सो वी कैन फाइंड फ्रॉम दैट वे. एनीवे Q इज इक्वल टू लेट Q इज इक्वल टू Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा. अगर ये ऐसा है तो dQ बाई dt कितना होगा बच्चा. dQ by dt होगा Q naught एंड इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. तो आप यहाँ पे ये तो थीटा एक
इनके बीच का फेज एंगल है, दैट वैल्यू विल बी कॉन्स्टेंट कंसिडरिंग. तो ये क्या आएगा, क्यू नॉट ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा. आई होप या सो क्यू डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ये रिजल्ट आएगा. और अगर डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है. कॉस है तो यहाँ एक माइनस साइन आ जाएगा क्यू नॉट, फिर ओमेगा एक और ओमेगा आएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये साइन आ जाएगा और ओमेगा टी प्लस थीटा आ जाएगा. दैट्स हाउ इट इज देयर. अब अगर इन तीनों वैल्यूज को उठा करके हम इसपे डाल दें तो वो वी के बराबर होना चाहिए. वी हमें पता है वी नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है. तो इन तीनों वैल्यूज को इसमें डालते हैं, विल पुट इन दिस. तो एक काम करते हैं कि पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को, यानी कि जो ये पोर्शन है इसमें हम ये सब, ये चलो इसको आगे लेके चलते हैं. नाउ 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 वी इज इक्वल टू एल एंड डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर को, जो डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, माइनस क्यू नॉट, विल राइट हियर माइनस क्यू नॉट मेगा स्क्वायर एंड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा. दिस इज व्हाट, ये कौन आ गया आपके पास, ये हो गया दैट इज एल डी आई बाई डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर हो गया, प्लस आर चाहिए आपको और इसमें आपको डी क्यू बाई डी टी लिखना है. तो उसकी वैल्यूज की आपने लिखी है डी क्यू बाई डी टी की, सो दैट हैज कम आउट क्यू नॉट ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, दिस इज व्हाट इट इज. और फिर आपको क्यू बाई सी लिखना है, दैट इज क्यू नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा डिवाइडेड बाई, दैट्स हाउ इट इज. यही हमने रिजल्ट लिखा. अब कि मैं इसमें से ओमेगा, इन सब में से एक ओमेगा चोरी करके बाहर निकाल लेता हूँ. लेट्स सी ओमेगा हमने बाहर निकाल लिया, ओमेगा बाहर निकाल लिया तो ये रिजल्ट क्या बना है हमारे पास. इस एल को अंदर डाल दो, क्यू नॉट ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, ओमेगा टी प्लस थीटा आई सेड, ओमेगा टी प्लस थीटा, राइट. इसमें से ओमेगा बाहर निकाल, अच्छा इन सब में क्यू नॉट है तो क्यू नॉट भी बाहर निकाल सकते हैं. सो क्यू नॉट भी बाहर निकाल लिया, यहां से क्यू नॉट भी बाहर निकाल लिया और एक ओमेगा भी बाहर निकाल लिया. तो यहाँ पे जो रिजल्ट हमारे पास आया, इस जगह पे जो रिजल्ट आया इसमें ये क्यू नॉट नहीं होगा. ओके सो नाउ दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज ये यहां से क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट कॉमन करके बाहर निकाल लिया. एंड नाउ दिस कम्स आउट एल माइनस ओमेगा स्क्वायर है ना बेटा यहाँ पे, तो एक ओमेगा भी बाहर जा चुका. सो दिस इज माइनस ओमेगा एल, राइट, दिस इज माइनस ओमेगा एल, माइनस ओमेगा एल साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, दिस इज वन पार्ट. यहाँ क्या रिजल्ट आया, ओमेगा जा चुका है, क्यू नॉट जा चुका है, आर कॉस ऑफ आर कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा आ गया. और फिर यहाँ क्या हमारे पास आया, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा डिवाइडेड बाई ओमेगा सी. आई होप यू गॉट माई पॉइंट, क्योंकि ये यहाँ कोई ओमेगा नहीं था, दिस इज हाउ इट कैन बी रिटन. अब इन दोनों टर्म्स को, ये साइन ओमेगा टी प्लस थीटा साइन ओमेगा टी वाले टर्म्स को देखो, यहाँ क्यू नॉट ओमेगा यहाँ रहने दो. और ये क्या बना, अगर इनमें से साइन ओमेगा टी प्लस थीटा को आपने कॉमन कर लिया कुछ इस तरीके से, तो यहाँ है वन बाई ओमेगा सी और ये माइनस वन बाई ओमेगा एल, सो वन बाई ओमेगा सी और ये ओमेगा एल कुछ ऐसे आ गया. और यहाँ क्या बना, आर कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, या देख रहे यहाँ पे ओमेगा टी प्लस थीटा एक टर्म आएगा. सो लेट्स लुक एट दिस हियर, दिस इज ओमेगा टी एंड प्लस थीटा, सो दिस इज हाउ वी हैव रिटन नाउ. ओके ये रिजल्ट है, क्यू नॉट ओमेगा और कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन कर लिए. ये स्टेप दिखना चाहिए आपके दिमाग में. नाउ साइन ओमेगा टी प्लस थीटा वन बाई ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल है यहाँ पे, और आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा है, ये एक सिचुएशन है. थोड़ा इसको ठीक तरीके से लिख दें, क्यू नॉट ओमेगा लिख दिया. नाउ आई वॉन्ट टू राइट वन बाई ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल दिस इन टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा,
और इसके लिए लिखना चाहता हूं मैं आर कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, समथिंग लाइक दिस. ओके, नाउ आफ्टर डूइंग सो, यहां पे देखो एक सिचुएशन आ गया. यहाँ पे कांस्टेंट तरीके से मतलब एसी का जो ओमेगा फिक्स है, तो ये साइन ओमेगा टी प्लस, यानी कि साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी का एक फॉर्मूला लगाया जा सकता है. अब अगर मैं इसको कॉस, इसको समथिंग कॉस मान के चलता हूँ, इफ आई टेक एज अ कॉस एंड दिस एज अ साइन, इफ आई टेक दिस एज अ कॉस एंड दिस एज अ साइन, देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम लेटर ऑन. इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम लेटर ऑन, बिकॉज इसको अगर साइन लिया तो हमारा टेन फाइव गलत आएगा. यू सी, अगर मैं इसको साइन समथिंग यूज करता हूँ, इसको कॉस समथिंग यूज करता हूँ, सो दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अस टू सॉल्व इट लेटर ऑन. तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसको चेंज कर देते हैं, वी टेक इट लाइक दिस क्यू नॉट ओमेगा, और इसको लिखा कॉस ऑफ, इसको लिखा साइन ऑफ, वी राइट हियर साइन डेल्टा, साइन डेल्टा लिख दिया, वी टेक इट या साइन फाई लिख लेते हैं, साइन फाई लिख लिया, एंड दिस इज साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, साइन फाई, एंड दिस इज साइन ऑफ, ये माइनस साइन हमने यूज कर लिया. ओके, here is one mistake over here, if you look at this, ye humne ye, no that's fine, I mean this is minus n ke sath tha, ye omega c hai, it's all fine, there is nothing wrong. So now this is sin phi sin omega t plus theta, and this can be written as cos phi, sorry ye sin phi kyun likha, to sin phi ke sath ek z likha, z sin phi, aur isko likha z cos phi, z cos phi, cos of omega t plus theta, ऐसे लिख दिया. ऐसे लिखने के बाद अब ये z क्या है, sin phi क्या है, ये सब हम लोग निकाल लेंगे. सो नाउ दिस रिजल्ट कैन बी रिटेन एज q नॉट ओमेगा, एंड दिस होल विल बिकम व्हाट, z फाइन. अच्छा देख रहे हैं आप, यहाँ पे माइन प्लस साइन है, ये cos phi cos theta, यानी कि cos a cos b plus, तो वी शुड राइट हियर cos of a minus b. So a can be taken as omega t plus theta. So we are writing omega t plus theta, omega t plus theta, omega t plus, omega t plus theta here. This is ye omega t plus theta. This and yahan pe ek sign u use kar liya. This minus phi. If we do it like this, तो ये क्या हो गया, cos of a minus cos of a minus b. So this is cos a cos b plus sin a sin b, कुछ इस form में ये लिखा जा सकता है. So एक तरीके से ये result क्या है आपके पास, q not omega z, q not omega z, and this you are writing cos of omega t plus theta, this minus phi. This is how we have reached here. Now what is the value of z? Ye substitution to maine sikha diya piche questions mein aapko. Now what is this value of z? To z kitna hai aur phi kitna hai, that is what we need to know. Yes, isko aise likha ja sakta hai. To agar z ki values nikalne ki koshish kare, z ki value nikle, to z kya hoga ji hamare paas, to aapne z sin phi ki value ye rakhi hai और z cos phi की वैल्यू ये रखी है, तो दिस विल बिकम नाउ z sin phi का स्क्वायर, यानी कि 1 by omega c minus omega l का स्क्वायर, और दिस विल बिकम r स्क्वायर. ये z z की वैल्यू आ गई, दैट्स ओके. और अगर आप, या दिस इज द वैल्यू ऑफ z, और अगर phi की वैल्यू निकालना चाहते हैं, सो दिस phi इज इक्वल टू, यू विल बी राइटिंग, आई मीन 10 phi की वैल्यू की बात करें, so this is z cos phi, this is z sin phi, yani ki z sin phi upon z cos phi karoge, so sin yani ki this upon this, yani ki result aayega 1 by omega c minus omega l, this ka mod divided by what, r. this is how it is going to be there, z cos phi ki value r hai, to aapke paas 10 phi ki value kuch is tarike se nikal gaya hai. This is what we have got is 10 phi. Okay, mind you यहाँ पे जो हमने q रिजोल्व किया है, ये हमारा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है, आई मीन q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा माना, थीटा की वैल्यूज अभी हमने
नहीं सोचिए, फिलहाल यहाँ पे कुछ इस तरीके का रिजल्ट आया, सो जेड भी आपके पास आ गया और फाइव भी आ गया, तो यही आपका इम्पीडेंस है और ये आपका फाइव, यानी कि यहाँ से फाइव इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ, फाइव इज इक्वल टू, यू कैन राइट 10 इनवर्स ऑफ व्हाट, यू कैन राइट 1/ωc - ωL डिवाइडेड बाई आर, यू कैन राइट लाइक दिस, ये आपके पास आ गया। अब जो आपका वोल्टेज आया वो क्या दिख रहा है, क्यू नॉट ओमेगा जेड कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाई, समथिंग लाइक दिस। इस स्टेप को यहाँ जो आया है इसको अगले पेज पे लिखते हैं। सो दिस वी इज इक्वल टू, वी हैव गॉट क्यू नॉट ओमेगा जेड कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा एंड माइनस फाइव, दिस इज वॉट वी हैव गॉट इट। मैंने एक गलती कर दी यहाँ पे, इसको थीटा लिखना है हमें और आई एम राइटिंग ये, सो दिस इज थीटा माइनस फाइव, ये रिजल्ट है। अब एक बात ये समझनी है आपको कि दिस इज जेड, ओके ये वोल्टेज है और ये एक नंबर है, तो इसको वोल्टेज होना पड़ेगा, दिस हैज टू बी वोल्टेज। और क्यू नॉट ओमेगा को, क्यू नॉट ओमेगा और इनटू जेड, अब ये तो आपको पता है ना कि भाई ये जो जेड आपने निकाला है दिस इज द इम्पीडेंस ऑफ एल सी एस सर्किट, दैट्स हाउ डू यू नो अबाउट इट। तो ये जो जेड है, ये जो जेड है दैट इज अब यहाँ पे ये समझना है, देखो ध्यान से, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन हियर, ये क्यू नॉट है, ये ओमेगा है, तो ओमेगा में क्या होता है 2π/T, तो यानी कि यहाँ चार्ज हो गया, नीचे टाइम हो गया, तो चार्ज अपॉन टाइम यानी कि दिस विल बिकम करंट, तो इसको क्या बनना पड़ेगा, रिएक्टेंस जैसा बनना पड़ेगा। सो दिस इज रिस्पॉन्डिंग करेंट एंड दिस इज लाइक इम्पिडेंस जैसा कुछ होना चाहिए, और ये फिर लिख दिया कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, मतलब ये आपको समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि देखो ये करंट को रिप्रेजेंट करना चाहिए, इम्पिडेंस को रिप्रेजेंट करना चाहिए, यानी कि जेड जो इम्पिडेंस है हमारे पास ये क्या आ गया, दैट इज एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये रिजल्ट आ चुका आपको। अब ये मैक्सिमम चार्ज अपॉन करोगे तो ये क्या हो गया, आई नॉट को रिप्रेजेंट करना चाहिए, सो दिस शुड बी आई नॉट एंड दिस शुड बी जेड, ठीक है जी। अगर आपने ये आई नॉट और ये क्या होना चाहिए जेड, और ये क्या होना चाहिए कॉस, एंड दिस इज ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव, दैट्स हाउ ये वोल्टेज होना चाहिए। अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, वी नॉट लिख देते हैं, सो दिस इज वी नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव, और ये हमारा वी है, बट ये वी है कितने के बराबर, सो दिस इज वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, हमारे पास v is equal to v naught sine of omega t है, and this is equal to v naught cos of क्या omega t plus theta minus phi, that's how the result is. So this, if you compare this, अगर इसको compare करें तो भाई ठीक है ना, sine omega t is equal to, sine omega t is equal to क्या आ गया, cos of omega t plus theta minus phi, that's how we have reached to here. तो ये दोनों रिजल्ट कैसे बराबर हो सकते हैं, बस एक ही कंडीशन है कि इसकी वैल्यू, देखो जी अगर अगर इसको प्लस पाई बाई टू लिखते हो, इफ यू राइट प्लस पाई बाई टू, प्लीज अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, तो कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 लिखोगे तो कॉस, यानी कि उसको कॉस ऑफ, यानी कि इसको गलत, थोड़ी देर के लिए गलत करके दिखाता हूँ, इफ यू राइट कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिखते हो तो कॉस 90 प्लस थीटा, इफ यू राइट लाइक दिस, If you write like this, तो cos 90 plus theta minus sin theta होता है, यहाँ पे तो आपके पास ये result है, so you can't write like this, यानी कि ये वाला तो आप नहीं लिख सकते, चलो जी हम ये नहीं लिख सकते, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, गलत करके बता दिया मैंने। Now I'm saying that, कि क्या लिखना चाहिए फिर अब, क्योंकि अब तो ऐसा ही कुछ लिखना पड़ेगा, so we can write cos of omega t, और इन दोनों को minus 90 degree रख दिया। अब क्या हो गया, तुम तो कहोगे कि हमने पढ़ा है cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, ओके तो इसको अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट कॉस ऑफ, एक माइनस टर्म बाहर निकाल लेते हैं और फिर ऐसे लिख लेते हैं, दिस रिजल्ट कैन बी ऑल्सो, माइनस साइन बाहर निकाला और फिर लिखा यहाँ पे पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, इफ आई राइट लाइक दिस क्या बिगड़ गया भाई, यानी कि
यस दिस कैन बी रिटन लाइक दिस. अब ये जो भी वैल्यूज आए कॉस, यानी कि इस पूरे को समझो, कॉस ऑफ दिस आ गया, तो अगर इसको माइनस और इसको कुछ एक वैल्यूज मान ले, एनी डेल्टा फाई कुछ भी, तो कॉस ऑफ माइनस ऑफ दैट डेल्टा विल बी व्हाट, कॉस डेल्टा. तो यानी कि इस माइनस साइन की वजह को अब हटा के इसको कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी लिखा जा सकता है, ऐसे लिख सकते हैं ना भाई. तो अगर इसको पाई बाई टू माना, इफ आई राइट लाइक दिस, तो ये क्या बन जाएगा, साइन ओमेगा टी आएगा कि नहीं आएगा, दिस विल बी साइन ओमेगा टी. यस सो दिस इम्प्लाइज दैट, ये अगर थीटा माइनस फाई को हम माइनस पाई बाई टी लिखते हैं तो ये बिल्कुल सही जा रहा है. यस yes. तो ये अगर प्लस लिखता तो हमारा गड़बड़ हो रहा था. सो साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू दिस. सो दिस इज, यानी कि ये जो रिजल्ट है ये हमें क्या रिप्रेजेंट किया, ये अगर हम इसको माइनस पाई बाई टू लिखते हैं तो सही आ रहा है. सो दिस इम्प्लाइज नाउ, यानी कि इसको ऐसे लिखने का मतलब कि थीटा माइनस फाई को हम माइनस पाई बाई टू लिखते, थीटा माइनस फाई को माइनस पाई बाई टू लिखते. सो फ्रॉम हियर फाई थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, दिस थीटा इज इक्वल टू फाई माइनस पाई बाई टू. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. यस थीटा माइनस फाई को अगर हम माइनस पाई बाई, या सो फाई माइनस पाई बाई टू. सो इफ यू राइट हियर, एक मिनट के लिए, तो वी गॉट दिस थीटा इज इक्वल टू फाइव माइनस पाई बाई टू. अब जो आपके पास थीटा का जब ये रिजल्ट आ गया, थीटा इज इक्वल टू फाइव माइनस पाई बाई टू, ठीक है, इसका मतलब अभी तक आपने ये सीखा कि अगर मैं क्यू इज इक्वल टू ये रखूं, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा रखूं, तो थीटा की वैल्यू अगर माइनस पाई बाई टू प्लस फाइव होगा तो उस केस में ये पूरा का पूरा, यानी कि फॉर दिस क्यू, ये पूरा का सम जो होगा इस वोल्टेज के बराबर होगा. दिस इज व्हाट वी लर्न्ड. आई होप यू गॉट माय पॉइंट. सो इफ थीटा इज टेकन एज माइनस पाई बाई टू प्लस फाइव, देन दिस क्यू इफ यू कंसीडर, तो ये पूरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर होगा. ओके सो दिस इज सेइंग दैट. सो दस दस वी कैन से दैट इफ क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस, नाउ वी राइट लाइक दिस, एंड थीटा को क्या लिखा, माइनस पाई बाई टू प्लस फाइव, दिस इज व्हाट वी हैव अचीव्ड. ओके लाइक दिस, फाइव माइनस पाई बाई टू. सो इफ वी राइट लाइक दिस, दिस क्यू इज इक्वल टू दिस, देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ओके तो ओ इसका मतलब कि दिस इज द सिचुएशन, लाइक ये हमारे पास इस चार्ज के लिए, अगर चार्ज की वैल्यू ऐसी होगी तो वो इक्वेशन जस्टिफाई होगा. सो इफ दिस इज जस्टिफाइड, देन आई इज इक्वल टू, देयरफॉर नाउ आई इज इक्वल टू हाउ मच, सो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी करेंगे. तो अगर आई को डी क्यू बाई डी टी करेंगे तो डी बाई डी टी लें और इस वैल्यू रखते क्यू नॉट साइन ऑफ दिस इज ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू प्लस फाइव, सीधा ऐसे रख लिया. अगले स्टेप में जाने के पहले थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेते हैं. सो दिस इज डी बाई डी टी क्यू नॉट साइन, वी कैन राइट लाइक ओमेगा टी प्लस फाइव को एक साथ लिख देते हैं और माइनस पाई बाई टू ऐसे लिख देते हैं, चलेगा. यस इफ यू राइट लाइक दिस, तो ये क्या हुआ, साइन ऑफ, फिर अगले स्टेप में, क्योंकि इसको अगले स्टेप में हम ऐसे लिखते हैं, डी बाई डी टी ऑफ क्यू नॉट, और फिर यहाँ एक माइनस साइन लिया, और फिर या एक मिनट या सो आई एम सेइंग कि नाउ अगले स्टेप में हमने इसको साइन लिखा और फिर एक बड़ा ब्रैकेट यूज करते हैं एक मिनट के लिए. यस एक मिनट. नाउ आई एम सेइंग दैट कि साइन ये लिखा, माइनस लगाया पहले बार, ठीक है जी, और अब ऐसे लिखा पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसे लिख के
दिस ऐसे लिखा। अब जरा देखो क्यू नॉट है साइन ऑफ समथिंग ऑफ साइन ऑफ माइनस ऑफ समथिंग, तो इसको क्या हुआ माइनस लिखेंगे, यानी कि माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सो दिस विल बिकम माइनस डी बाई डी टी ऑफ नाउ क्यू नॉट, और अभी आ गया साइन ऑफ पाई बाई टू साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, दैट्स हाउ वी कैन राइट। और साइन 90 माइनस समथिंग क्या होगा कॉस, सो अगले स्टेप में क्या आ गया माइनस डी बाई डी टी ऑफ क्यू नॉट, और यह कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, दिस इज वॉट वी हैव गैदर्ड हियर राइट। अब जी ये क्या हुआ माइनस क्यू नॉट और डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव करोगे तो क्या आएगा एक ओमेगा साइन आ जाएगा, और कॉस है तो एक फिर माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव आएगा, दैट्स वॉट वी आर गोइंग टू हैव। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, सो आया क्यू नॉट ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके दिस इज वॉट वी हैव गॉट आई। और क्यू नॉट ओमेगा होना क्या चाहिए भाई, दिस क्यू नॉट ओमेगा आई नॉट होना चाहिए, तो इसका मतलब ये क्या बना आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव करेक्ट। तो नाउ व्हाट डू वी नो, जरा समझना है कि अगर मैं इस इक्वेशन में यानी कि इस सर्किट के लिए क्योंकि ये वैल्यू चूज की जाए जहां पे थीटा माइनस पाई बाई टू प्लस फाइव होगा इस एसी सोर्स के लिए, तो इनके क्रॉस का जो वोल्टेज का सम होगा वो इसके वोल्टेज के बराबर होगा और ये होना ही चाहिए, और उस स्थिति में इस सर्किट में पास होने वाला जो करंट है वो करंट कैसे लिखा जा रहा है, दैट करंट इज बीइंग रिटन लाइक दिस, दैट करंट इज बीइंग रिटन लाइक दिस। सो इफ आई कंपेयर दिस टू इक्वेशंस, व्हिच टू इक्वेशंस, इफ आई कंपेयर दिस टू इक्वेशंस, एक मिनट एक पेज मुझे बनाना पड़ेगा। सो आई से दैट कि इफ आई राइट दिस टू इक्वेशंस टुगेदर, सो दिस वी इज इक्वल टू हमारे पास है वी नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज व्हाट वी थॉट, और आई इज इक्वल टू क्या है आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, दैट्स व्हाट वी हैव गॉट इट हियर, वोल्टेज इज दिस एंड करंट इज दिस, एंड व्हाट इज फाइव वी हैव गॉट, दैट फाइव वी हैव जस्ट डिड्यूस्ड हियर, दैट फाइव इज इक्वल टू अभी हमने निकाला है that phi is equal to 10 inverse of this 1 by omega c minus omega l by r, to ye jo result humne nikala that phi is equal to 10 inverse of what 1 by omega c omega l by r, that's what we can write. So it means that ki voltage aur current ki baat kare to bhai current lead kar raha hai is equation mein kab, please understand yahan pe 1 by omega c aapke paas जब फाई इतना होगा, फाई इतना होगा इसका मतलब कि करंट लीड कर रहा, तो ऑब्वियसली यही पढ़ा है। अब अगर सोचो थोड़ी देर के लिए कि वन बाई ओमेगा सी, इफ वन बाई ओमेगा सी इज ग्रेटर देन ओमेगा एल हो जाए तो ये हो जाए, तो दिस मीन्स कि करंट लीड्स वोल्टेज, और हमने फेजर डायग्राम से यही पढ़ा है करंट लीड्स वोल्टेज। बट अगर ओमेगा एल की वैल्यू बड़ी हो जाए 1 बाई ओमेगा सी से, तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, और ये माइनस होने से यहाँ पे क्या यानी कि फाई नेगेटिव आ जाएगा, तुम्हारा फाई नेगेटिव आ जाएगा तो यहाँ रख दोगे तो वोल्टेज क्या होगा लीड कर जाएगा, सो दिस इंप्लाइज दैट वोल्टेज लीड्स करंट। तो फेजर डायग्राम में भी आपने यही पढ़ा था। सो सी इसका जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है आपको कहाँ कहाँ परेशान कर दिया, मतलब समझ सकते हैं कि मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कितना आसान है क्या डिफिकल्ट है, बट एक स्टूडेंट जो जेई के लिए तैयारी कर रहा है उसको ये सब कुछ आना चाहिए बाय प्रोसीजर, ताकि ही शुड नो व्हाट इज दिस ऑल, इवन नीट वाले के लिए भी ये सब कुछ आना जरूरी है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। एक चीज जो अब मैं बता रहा हूँ दैट इज द लास्ट फॉर द क्लास टूडे, वैसे हमने जो कुछ सोचा था वो सब हमने कर लिया, हमने आपको ग्राफिकली जैसे पिछले कैपेसिटर के प्योर रेजिस्टिव प्योर इंडक्टिव में हमने ग्राफिकली किया था, तो क्या एल आर सी आर या एल सी आर में हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्या, बेसिकली इसमें भी किया जा सकता है, इट वॉन्ट बी अ बिग डील, लाइक आपको फाई मालूम है और उस फाई के हिसाब से आप कर सकते हैं, हमें इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
सो इफ यू वॉन्ट टू अचीव दैट, लाइक अगर आप ग्राफ को बनाना चाहते हैं, जैसे इसी इक्वेशन के लिए कि अगर ये वोल्टेज है और इस करंट के लिए हम निकालना चाहते हैं, ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे? सो इट वॉन्ट टेक मच टाइम. लेट मी शो यू दिस. वी नॉट की वैल्यू ले ली. यस, सो दिस इज योर वी नॉट वैल्यू एंड दिस इज योर आई नॉट वैल्यू. अब सपोज कर लो ये टी बाई फोर है, ये टी बाई टू है, ये थ्री टी बाई फोर है और ये टी है. एक ही साइकिल में आप दिखाना चाहते हैं, तो अब आप क्या करेंगे इसमें? तो ये आपका वोल्टेज फंक्शन. थोड़ी देर के लिए आपने मान रखा है यहाँ पे कि सपोज कर लो ये जो इक्वेशन है कि वन बाई ओमेगा सी ओमेगा वेल से बड़ा है, यानी कि यू वांट टू शो दैट करंट लीड्स वोल्टेज, करंट लीड्स वोल्टेज. तो भाई ठीक है, ये आई नॉट है, दिस इज आई नॉट एंड दिस इज योर वी नॉट. तो ठीक है, करंट लीड्स वोल्टेज, बट ओमेगा टी और फाई की चाहे जो भी वैल्यू होगी, सो दिस वैल्यू इज नॉट गोइंग टू बी, चूंकि दिस इज नॉट गोइंग टू बी द 90 degree, नो. So in that situation, this value is not going to be the maximum at t is equal to zero. जो t zero रखोगे, तो sin phi आएगा, I is equal to I not sin phi आएगा. तो that value is not going to be the maximum, but that value is not going to be the maximum, but not zero also. तो अगर वो zero भी नहीं होगा और maximum भी नहीं होगा, तो हम कैसे दिखाएंगे? So t is equal to, I mean, we have to show this current graph. तो पहले आप ये समझ ले कि किसी दूसरी time पे जा करके यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट. जब आप इसके ग्राफ को बनाने जाएंगे तो आपने एक ओमेगा टी प्लस फाइव रखा. अब ये फाइव की वैल्यू तो कुछ होगी. जस्ट फॉर अ मिनट. यस बच्चों, तो अब इसके ग्राफ को दिखाना है. सो सी, हम थोड़ी देर के लिए इस फाइव की वैल्यू जो ये हमारे पास है, ये इस फाइव को ना थोड़ी देर के लिए हम लोग 30 degree के करीब मान लेते हैं. लेट सपोज 30 या 40 degree, कुछ भी 30 degree हमने कुछ दिमाग में रख लिया, एंड देन वील easily plot the graph. एक ट्रेंड पता चल जाएगा. फिलहाल देखो, पहले वोल्टेज का फंक्शन देखो, साइन ओमेगा टी का फंक्शन है. तो वोल्टेज का फंक्शन, तो यानी कि इस वाले टाइम पे वो वोल्टेज क्या होगा जी? जब टी टी बाई फोर होगा तो वोल्टेज मैक्सिमम होगा, फिर यहाँ पे वोल्टेज जीरो होगा, और इस वाले टाइम पे फिर यहाँ पे वोल्टेज हमारा मैक्सिमम होगा, बट पोलैरिटी उल्टी होगी. तो हम पहले वोल्टेज वाला ग्राफ अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं और फिर वी कैन डू इट. तो लुक एट दिस हियर. तो हमने यहां से इसको उठाया, ऐसे लेके गए, ये हमारा यहाँ पे आके जीरो हुआ. फिर क्योंकि ये तो सीधा सीधा साइन फंक्शन था, हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये हमारा वोल्टेज कर्व हो गया. अब हमें करंट को ड्रॉ करना है. हमें मालूम है कि t इज इक्वल टू जीरो पे करंट, यानी t जीरो रखोगे तो ये साइन 30 degree होगा, यानी कि बीच कुछ होएगा, तो यानी कि कहीं इधर से करंट स्टार्ट होगा. यस, और जब t इज इक्वल टू t by 4 पे, यानी कि 90 डिग्री होगा, तो sin 90 plus 30 आ जाएगा. t is equal to t by 4 पे sin 90 plus 30 आ जाएगा. That is sin 90 plus 30. That is cos 30. Cos 30 की वैल्यू के हिसाब से आप निकालोगे. इसका मतलब pi by 2 वाले सिचुएशन पे भी करंट हमारा पॉजिटिव होगा. But okay, और जब इसमें 180 डिग्री रखोगे, जैसे आपने देखा कि ये साइन फंक्शन है, तो 180 डिग्री पे ये जीरो हो गया, तो ये उसके पहले, सो लेट्स सी व्हाट आई एम डूइंग इट. आई एम गिविंग यू अ सेंस. हमारा करंट यहां से स्टार्ट हुआ और हमने 30 कुछ माना, यानी कि कुछ ही देर बाद ये हमारा मैक्सिमम होगा, यानी कि यहां से कुछ यहां कहीं मैक्सिमम होगा. जब हम इस जगह पे मैक्सिमम होगा, फिर हम ऐसे जाएंगे. तो सी, आपने टी जीरो रखा या 30 degree होगा, यानी कि ओमेगा टी की वैल्यू जब 60 degree होएगी तो हमें करंट मैक्सिमम मिलेगा, करेक्ट. और ओमेगा टी की वैल्यू जब 150 degree होगी, जो 150 प्लस 30 साइन 180 जीरो होगा. सो इसका मतलब कि यहां से पहले ही वो हमारा करंट यहाँ कहीं पे जीरो हो जाएगा. 180 degree जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यस, और फिर इस टाइम पे, यानी कि ये एक आप देख रहे हैं, 180 डिग्री पे जाके जीरो नहीं हुआ, पहले जीरो हुआ. क्यों? क्योंकि 150 प्लस 30 रखेंगे तो हमारा साइन 180 डिग्री पे करंट जीरो होगा. और देखो यहाँ पे जाके वो मैक्सिमम नहीं हुआ, 60 डिग्री एंगल अगर हमने रख दिया ओमेगा टी की वैल्यू, तो वो 90 डिग्री हो गया, मैक्सिमम हो गया. जब ये 90 रखा
इस जगह पे उसकी कुछ वैल्यू होगी, उसके बाद वो घटते घटते यहाँ पे जाके जीरो हो गया। अब हमने आपको ये कहा कि 150 डिग्री आपने रख दिया, साइन 150 प्लस 30 साइन 180 डिग्री जीरो हो गया। अब 150 से जहां आप ऊपर रखोगे उसकी वैल्यूज नेगेटिव होती जाएगी। और फिर कहीं पे यानी कि इस टाइम पे ये देखो ये एंगल कितना 180 डिग्री, तो साइन 180 प्लस 30 करोगे तो 210 आ जाएगा। साइन 180 प्लस 30 करोगे तो 210 डिग्री साइन 180 प्लस 30 साइन 30 डिग्री विथ माइनस साइन, तो वो तो कहीं ना कहीं वो इसी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि जो हमने यहाँ पे से स्टार्ट किया समथिंग लाइक दिस। और यहाँ कहीं पे थोड़ा और आगे जाके यहाँ कहीं पे हमें मैक्सिमम वैल्यू उसकी फिर से मिलेगी, तो द ग्राफ विल गो समथिंग लाइक दिस। ओके, सो ये वैल्यूज पे जा करके यानी कि 180 और 180 से भी आगे कहीं पे गए उसकी वैल्यूज रखी तो हमारा फिर वो 3π/2 270 डिग्री वाला एंगल आ गया। आई होप यू गॉट, यानी कि ये 270 डिग्री था उसके पहले, यानी कि 270 में से 30 माइनस किया तो ये यहाँ पे आ गया। अब हमारे फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, दिस इज हाउ वी विल बी गोइंग। तो देखो ये 270 पे अगर हम पहुंचेंगे उसके पहले ये मैक्सिमम होगा, अब यहाँ से ये डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, दिस इज हाउ इट विल गो। और ये 360 डिग्री पे जैसे ये जीरो हो रहा था तो ये 360 यानी कि अगर इसको मैं 330 कर दूं, इफ आई डू 330 तो 330 पे ही हमारे लिए क्या हो जाएगा, दिस विल प्रोड्यूस समथिंग लाइक दिस, यहां कहीं पे जीरो होगा। और 360 पे चले जाएंगे तो फिर अगर ये 360 प्लस 5 होगा तो बिल्कुल यहाँ पे फिर जैसे वो आया था कुछ इस तरीके से ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, समझ गए। तो ये करंट का ग्राफ हुआ इस तरीके से, ये समझ गए आपकी कैसे यहाँ पे, यानी कि एक डाटा मान करके आप चल चले, समझा दिया मैंने। इसमें अगर फिर भी आपका डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो दिस इज हाउ द करंट एंड वोल्टेज ग्राफ कैन बी थॉट ऑफ। यहाँ पे जो ये डिफरेंस है ये जितना भी, यानी कि जीरो पे ये था और इस जगह पे इतना आया, तो ये एंगल कितना है जी, ये 90 डिग्री नहीं है, ये जो होगा फेज एंगल उसे निकाल देंगे। तो इस तरीके से ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है, दिस इज फॉर वोल्टेज करंट। ये हमने सिखा दिया आपको। तो आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने LR, CR, LCR, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, ग्राफ, ये सब कुछ हमने समझा दिया आपको। अब जो हमारा अगला लेक्चर होएगा, उस अगले लेक्चर में हम लोग इस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं, बस थोड़ा बहुत मैंने उसके लेकर के बीच में सारी बातें बता दी हैं कि कब क्या होगा, कैसे क्या होगा, वो सब कुछ समझ गए होंगे। हर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का जुगाड़ मैंने बीच में डाल रखा आपके लिए। नाउ व्हाट आई थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड प्लीज कीप वॉचिंग सिंसियरली, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नोट्स प्रॉपरली बनाते रहें आप, कोई डाउट हो तो पूछिए। सो फाइनली बाय बाय टू ऑल and keep watching, keep liking, keep sharing, keep commenting. Bye. God bless you.